हेलो 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 चेक, आर यू एबल टू हियर मी? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस गो अहेड इन आवर सिलेबस। यू फॉलो पॉलिटिक्स? हाँ बिल्कुल भी नहीं। यू नो अरविंद केजरीवाल? आई थॉट यू वर हिज फैन। कैसे? वो भी अपने स्टेट में ऑड इवन फॉलो करता है। आई एम ऑल्सो नॉट वेल इवन नाउ, बट ठीक है, आई कांट एक्सपेक्ट द सेम डिसिप्लिन एज मी। चलिए ठीक है, अब जो है वो है। आई आई डोंट नो वेदर यू आर इवन अवेयर ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन इन क्लास फॉर द बेनिफिट ऑफ एंड ऑफकोर्स समर लाइक के सर, वो नहीं आई थी तो उसको नॉट अवेयर ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन इन क्लास। हम लोग आए थे तो हमको कौन सा नहीं। चलो मैं याद दिलाता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। ओके, वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, चैप्टर 12, रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 115 बीबीजे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 115 ए से लगाकर 115 बीबीजे करेंगे, उसमें भी बीबी आई नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल बी कवर्ड इन चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर। व्हाट इज द पॉलिसी और फंडा ऑफ दिस चैप्टर? देयर विल बी स्पेसिफिक असेसी स्पेसिफिक इनकम इफ द कॉम्बो टेक्स प्लेस स्पेशल रेट विल अप्लाई। मतलब इफ द कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मल रेट, इफ द कॉम्बो टेक्स प्लेस तो नॉर्मल और स्पेशल विच एवर इज बेनिफिशियल का ऑप्शन इसमें नहीं है, वो एनआरआई टैक्सेशन में था। यर द स्पेशल रेट इज कंपलसरी एज अ स्टूडेंट, दिस इज गुड न्यूज फॉर यू बिकॉज यू हैव टू सॉल्व ओनली वन टैक्स कैलकुलेशन। इफ द कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस एक ही होएगा नॉर्मल, एंड इफ द कॉम्बो टेक्स प्लेस फिर एक बार एक ही होएगा दैट इज स्पेशल। करेक्ट, सो नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो चैप्टर 6A, नो बेसिक एक्सेम्पशन, नो इंडेक्सेशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये स्पेशल रेट न्यू रेजिम में भी लगते हैं। ओल्ड और न्यू का ऑप्शन आपको नॉर्मल वाली इनकम्स के ऊपर मिलता है, ये वाली इनकम्स के ऊपर नहीं मिलता है। सरचार्ज एंड सेस विल ऑब्वियसली बी एप्लीकेबल। यहाँ पे हमने जो भी रेट्स की है टिल नाउ, वी हैव डन अ फ्यू रेट्स, दे आर ऑल द बेसिक रेट्स ऑफ टैक्स। और DTAA है तो इससे कम होएगा तो यू कैन टेक इट। करेक्ट, देन वी स्टार्टेड विद द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ यू नो योर एंटायर सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, दैट मीन सेक्शन 115A। सिस्टम ऑफ द चैप्टर क्या रहने वाला है? सेक्शन, उसमें असेसी, उसकी इनकम, उस इनकम का रेट। सेक्शन असेसी इनकम रेट, करेक्ट। सेक्शन 115A, हु इज द असेसी इन दिस सेक्शन? नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। अब तक इस असेसी की कौन सी इनकम वी हैव कंप्लीटेड? इफ देयर इज एनी डिविडेंड इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट या फिर एक अमेंडमेंट आया है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जिसका मीनिंग भी डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन क्लास, तो उस डिविडेंड के ऊपर द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल विल बी 10%। लेकिन कोई और डिविडेंड आता है वेदर फ्रॉम अ कंपनी और फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, एवरी अदर डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट। वॉट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज दीज रेट्स विल अप्लाई ओनली इफ इट इज नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट को अगर डिविडेंड इनकम हुआ तो नॉर्मल रेट्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट को इनके अलावा कोई और इनकम हुआ तो भी नॉर्मल लगेगा। कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मल, और अगर ये कॉम्बो हुआ है तो फिर यही भरना पड़ेगा, यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू नॉर्मल। करेक्ट, ठीक है। देन वी वेंट टू द इंटरेस्ट पार्ट। अ नॉन रेसिडेंट अर्निंग इंटरेस्ट इन इंडिया, इंटरेस्ट ऑन अ फॉरेन करेंसी लोन, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज वी विल अप्लाई रेट ऑफ टैक्स ऑफ 20। आई एक्सप्लेन द होल लॉजिक बिहाइंड इट कि 20% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत हाई है, और अगर किसी नॉन रेसिडेंट के पास पैसा है तो वो इंडियन को देने की जगह पे पाकिस्तानी को देगा, याद आता है? इफ बोथ आर गिविंग सेम इंटरेस्ट तो वो देखेगा ना कहां पे टैक्स कम लगेगा। अरे यू ऑल रिमेंबर, पाकिस्तान वाले से दोस्ती करेगा, टुगेदर दे विल हैव अ ब्लास्ट, याद आया? हाँ, तो ओवर द इयर्स सर्टन ट्रांजेक्शन वर रिमूव्ड फ्रॉम 20% एंड पुट अंडर 5%। जब तक आंटी नहीं आई थी तो ऐसा था, कुछ एक्सेप्शन में 5 और बाकी सब में 20, मतलब 20 आज भी है। आपने दोस्त को लोन दिया तो 20 आज भी लगेगा, 5 विल कम इन एक्सेप्शनल केसेस। फिर आंटी ने आके 4 भी लाया इस साल एक अमेंडमेंट करके, 9 भी लाया, फिर ये जो जो 5% वाले थे इसमें से कुछ निकाल दिए, लेकिन निकालने के टाइम भी मस्ती किया, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 1st जुलाई। अगर ये 1st अप्रैल से ही निकल गए होते ना दीज, तो आई वुड हैव नॉट डिस्कस्ड विद यू ओनली, बट दे आर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम 1st जुलाई। मतलब अगर आपकी एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है एंड द ट्रांजेक्शन इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th जून, तो यू विल अप्लाई द रेट ऑफ 5%, और अगर ट्रांजेक्शन 1st जुलाई ऑनवर्ड्स हुआ है तो यू विल अप्लाई 20%, बिकॉज वो एक्सेप्शन में से निकल गया। बट वो वाला अमेंडमेंट अभी लिखना बाकी है। अब तक हमने क्या किया? नॉर्मल रेट इज 20। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड देगा, द फंड विच विल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर कंट्री, तो उसके ऊपर क्या रेट लगेगा? 5%। देन इंडियन कंपनी डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस
दे वेंट एंड फॉट विद द गवर्नमेंट के सर ये तो पार्शियलिटी हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा उस टाइम, इंडियन कंपनी डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस. फिर दूसरी कंपनी आ गई तो गवर्नमेंट बोलता बाढ़ में गया, इंडियन कंपनी डूइंग एनी बिजनेस. बट दो कंडीशन इनकॉर्पोरेट किया. व्हाट आर द टू कंडीशंस इनकॉर्पोरेटेड? अग्रीमेंट शुड बी अप्रूव्ड एंड इट शुड बी लॉन्ग टर्म फाइनेंस. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, वैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी पैसा रेस करने के लिए सिक्योरिटी इशू करना पड़ता है. सो म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटीज ऑल्सो दे हैव अप्रूव्ड द रेट ऑफ 5%. तो ये सब इंटरेस्ट के ऊपर क्या रेट लगेगा? 5%. एंड नॉर्मली वॉट विल हैपन गोइंग फर्दर? एनी इंटरेस्ट विच इज पेड टू समवन हु इज अ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स उस पर भी 5%. एनी इंटरेस्ट पेड टू क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स 5%. But there are two things यहाँ पे which you will want me to explain. तो ही आपको समझ में आएगा what is happening here. What two things? What is a qualified foreign investor? बस क्या और भी कुछ? What are rupee denominated bonds? ये दोनों का meaning समझेगा ना? Then only you will understand. Qualified foreign investors have been defined in section 115A. मतलब that definition is given. तो what are we required to do? बस sir definition बता दो तो हमको पता चल जाएगा ये लोग कौन होता है. सुनो क्या मस्त लिखते हैं ये लोग. Qualified foreign investor is an investor so qualified as per the regulations laid by SEBI. Qualified foreign investor are investors so qualified as per SEBI regulations. आपको पता है definition of scheduled bank क्या है? आपका Banking Regulation Act अगर कभी life में आपके syllabus में आया होगा, bank you all didn't have the privilege of learning Banking Regulation Act, did you? किधर आया था? इंटर में था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हेन यू ऑल वर इन इंटर. थोड़ा बहुत शेड्यूल बैंक का डेफिनेशन मालूम है? एनी बैंक हुज नेम इज रिटन इन अ शेड्यूल मेंटेन्ड बाय आरबीआई. नहीं बताइए, मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल बैंक. ठीक उसी तरह एनी इन्वेस्टर एज क्वालिफाइड एज पर सेबी रेगुलेशन. तो आपको ये समझने के लिए क्या करना होगा? गो एंड रीड सेबी रेगुलेशन. चिल करो, तुम डीटी तो पढ़ लो, यही खत्म नहीं हो रहा है. डीटी में लॉ पढ़ना इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. और जो भी बाहर के लॉ पढ़ने होते हैं आपके लिए वेन एवर रिक्वायर्ड आई हैव ऑलरेडी रेड इट. जैसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2015 में पढ़ा था, वैसे ये भी 2014 में पढ़ा था. दिस पॉइंट केम इन 2014. सेबी ने ना एक लिस्ट लिखा है कि ये कंपनी अपना दोस्त है, फ्रेंड है, ब्रो, व्हाट्सअप हाय. दोस्त मतलब उसके अंदर चाइना पाकिस्तान भी हो सकता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दुश्मन फॉर लैंड पर्पसेस. फाइनेंशियल कॉपरेशन पर्पसेस ये हमारे दोस्त है. चाइना पाकिस्तान से लैंड का लड़ाई हो सकता है, बट फाइनेंशियल कॉपरेशन है. ट्रेड डस टेक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज. तो ये कंट्री से अगर तुम आया, यू आर अ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर. सेबी ने तो लिस्ट दिया. एंड ऑब्वियसली फॉर डीटी यू डोंट हैव टू लर्न द लिस्ट, यू जस्ट नीड टू नो कि मीनिंग क्या होता है. एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने के लिए. तो अगर आपका कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्लाइंट है, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी कंट्री उस लिस्ट में आती है कि नहीं. बट फॉर एग्जाम पर्पसेस इट इज गोइंग टू बी गिवन टू यू. एबीसी अ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया इन बॉन्ड्स. देखो वो फॉरेन से आ रहा है तो फॉरेन करेंसी लेके आएगा, बट दीज बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज. इनका जो फेस वैल्यू है वो रुपीज में. इनका कूपन रेट जो भी लगेगा, वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो वो भी रुपीज में आएगा. द बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन नेशनल रुपी, द बॉन्ड्स आर नॉट डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी. तो अगर किसी फ्रेंड कंट्री से ऐसा कोई इन्वेस्टर आता है, उस इन्वेस्टर को अपने बॉन्ड्स के ऊपर द इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट जो भी मिले उसके ऊपर जो टैक्स रेट है दैट इज गोइंग टू बी 5%. सो वॉट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑन नॉन रेसिडेंट्स? नॉर्मली 20, लेकिन 5% में क्या क्या दिया? 1, एनी इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. 2, एनी इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज. हाँ ठीक है, एनी इंडियन कंपनी अंडर एन अप्रूव्ड अग्रीमेंट. एंड देन क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर. नेक्स्ट, ये भी 5% में फॉल करता है. वापस इसको 1 जुलाई से निकाला. वॉट इज द होल डेटा प्लीज अंडरस्टैंड. एनी इंटरेस्ट दैट यू अर्न फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट
दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट टाइम दैट वी हैव कम अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बिजनेस ट्रस्ट बिफोर एक्चुअली लर्निंग द चैप्टर बिजनेस ट्रस्ट. मैं याद दिलाता हूं, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 111 ए 112 ए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. सेकंड, एक नॉन रेसिडेंट को अगर डिविडेंड मिल रहा है नॉर्मली 20 होता है लेकिन बिजनेस ट्रस्ट वाले पे 10 होता है, करेक्ट. थर्ड, इंटरेस्ट ऑल्सो नॉर्मली नॉन रेसिडेंट के लिए रेट ऑफ टैक्स क्या होगा मित्रों? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नॉर्मली इट विल बी 20%, लेकिन अगर इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट आपको जाके चेक करना पड़ेगा. प्लीज पे अटेंशन, दिस इंटरेस्ट इज बीइंग पेड एज अ यूनिट होल्डर और अंडर अ लोन अग्रीमेंट. बिजनेस ट्रस्ट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट टू यूनिट्स सो दे विल गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट. इन दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट सो रिसीव्ड समटाइम्स इट इज डिविडेंड एंड समटाइम्स इट इज इंटरेस्ट जो ओनर्स को दिया जाता है. इट इज अनलाइक अ नॉर्मल कंपनी जहां पर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो पूरा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होता है. मीन्स बिजनेस ट्रस्ट के इन्वेस्टर को सम फिक्स्ड रिटर्न्स एंड सम बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स. जो फिक्स्ड वाले होते हैं वो पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो जो डिविडेंड वाला पार्ट है दैट विल कम हियर. नॉर्मली 20 लगता है लोगों को लेकिन बिजनेस ट्रस्ट वाला 10. लाइकवाइज एज अ यूनिट होल्डर द इंटरेस्ट दैट यू आर अर्निंग उसके ऊपर 5% और अंडर अ लोन अग्रीमेंट भी जो है उसके ऊपर भी 5%. लोन अग्रीमेंट क्या है? दीज आर नॉट यूनिट होल्डर्स, दे हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड कैपिटल टू द बिजनेस ट्रस्ट. उन्होंने इस बिजनेस ट्रस्ट को क्या दिया है? लोन दिया, अपना फंड्स खाली यूज करने के लिए दिया. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इफ यू मेक द बैलेंस शीट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन यू राइट कैपिटल हियर एंड यू राइट बोरोइंग्स हियर, लोन्स हियर. एक नॉन रेसिडेंट आके इस कैपिटल में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और आके यहां पर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. सो इफ दिस इंटरेस्ट इज पेड, ये वाला इंटरेस्ट है अंडर लोन अग्रीमेंट. बट वेन अ नॉन रेसिडेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ईयर, तो इन लोगों को जनरली हम लोग जो पैसा देते हैं वो डिविडेंड देते हैं. लेकिन इन बिजनेस ट्रस्ट देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ पेइंग सम डिविडेंड ऑल्सो एंड सम इंटरेस्ट ऑल्सो टू द इन्वेस्टर्स ऑफ कैपिटल. और वो जो इंटरेस्ट है वो यहां पर आएगा. डिविडेंड तो ऑलरेडी ऊपर आ ही गया, इंटरेस्ट इज गोइंग टू कम ईयर. सो इंटरेस्ट रिसीव बाई नॉन रेसिडेंट फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज अ यूनिट होल्डर एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर अ लोन अग्रीमेंट. सर क्यों सुबह सुबह पका रहे हो? रेट दोनों का सेम है, रेट दोनों का सेम है. लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आंटी ने क्या किया. फोकस प्लीज, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर एंड एंडिंग वेयर. सी, इंडियन कंपनी डूइंग एनी बिजनेस, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड लोन अग्रीमेंट वाला, ये चार विल बी एप्लीकेबल ओनली टिल 30th June 2023, डिलीटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st July. मतलब ये चारों केस का 1st July से आपको ऊपर जाके 20% भरना पड़ेगा. मतलब 5% में अगर आप देखोगे, 5% में क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. कैन यू सी 6 types ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग इन 5%? वो 6 में से 4 डिलीटेड, 6 में से मित्रों 4 डिलीटेड है. विच मीन्स के 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाला एंड बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट होल्डर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट का कंपोनेंट मिलता है, दिस विल बी टिल 31st March 2023. ये डिलीट नहीं हो रहा. मतलब अगर कोई May 25 का बच्चा कभी आता है मेरे सामने, उसको मुझे 5% वाले ये सब तो नहीं कराने, ऑल दिस इज गेटिंग डिलीटेड. I will teach a May 25 students what, उसमें आप समझ जाओगे कि कौन सा अमेंडमेंट कब अप्लाई करें. May 25 के बच्चे को बोलेगा 20% इज द टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, 5% फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एंड 5% एज यूनिट होल्डर ऑफ बिजनेस. तो बाकी के जो है म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, इंडियन कंपनी एनी बिजनेस, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर एंड बिजनेस ट्रस्ट का लोन अग्रीमेंट, दैट विल अप्लाई ओनली टिल
30th June and deleted from 1st July. This is the amendment introduced. So, can I say 115A ke andar humko already do amendment dekhne mil gaye? Till 30th June 23. 115A ke andar do amendment. What are the two amendments? First, dividend agar IFSC se mil raha hai, to usko bhi 20 se kam karke we have made 10. I was checking if you are paying attention. मतलब साल के एंड तक रहेगा रे बाबा, आप समझ गए भावना को, समझ गए ना? सुनो अभी बात करूं, अभी आप मेरी बात सुनोगे. डिविडेंड अगर आईएफएससी से मिल रहा है तो उसका रेट ऑफ टैक्स 20 से कम करके 10 किया, दैट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट. एंड व्हाट इज द सेकेंड अमेंडमेंट? 5% में जो टोटल 6 केसेस आते हैं उसमें बिजनेस ट्रस्ट के 2 केसेस है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द 2 केसेस? लोन अग्रीमेंट एंड यूनिट होल्डर. लोन अग्रीमेंट वाला एंड अदर 3 आर गेटिंग रिमूव्ड, और जो बाकी के 2 है दैट इज यूनिट होल्डर ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू. इज दिस इंटरेस्ट पार्ट क्लियर? मतलब 5% वाला कौन सा रहेगा, कौन सा निकल जाएगा, विच इज गोइंग टू रिमेन एंड विच इज गोइंग टू बी रिमूव. एंड वेन इट इज गोइंग टू बी रिमूव, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज नॉट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को क्या लगता है, पता है आज बजट आ रहा है और इमीडिएटली हम लोग बोल देंगे रिमूव, तो लोगों को तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. तो मेनी अ टाइम्स दे इनकॉर्पोरेट अमेंडमेंट्स एट अ लेटर डेट. जैसे समथिंग एज सिंपल एज टीडीएस टीसीएस फॉरेन रेमिटेंसेस का जो 1st जुलाई से आने वाला था क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के ऊपर, वो लोग बैंक्स ने बोला सर अभी हम तैयार नहीं है, हमारे सिस्टम रेडी नहीं हुए. तो गवर्नमेंट बोली ठीक है जुलाई भी मत करो, अक्टूबर से इनकॉर्पोरेट करना. सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट पोस्टपोन्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन अमेंडमेंट इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मेनी अ टाइम्स. And students appearing for exam in that year, you know, are a little unlucky because unko pehle starting of the year kya rule hai aur baad mein later part of the year kya rule change hua. You have to learn both. A problem institute ka hai. Institute will not test you on the amendment. They will test you on the date of the amendment. Institute agar aapko bolega na ki amendment kya hai, aap batayega 5 nikal gaya, jo kuch cases mein 5 tha wo nikal gaya. You have studied. Koi bhi bina padhe paper dene ke liye nahi jata hai. लेकिन इंस्टीट्यूट उसको घुमा के पूछेगा. इंस्टीट्यूट बोलेगा 1st अप्रैल को हुआ तो क्या होगा, 1st जुलाई को हुआ तो क्या होगा. आप बोलेगा सर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता है, दोनों पे टैक्स लगेगा, क्या अप्रैल क्या जुलाई. नहीं, 30th जून तक रूल अलग है एंड 1st जुलाई से रूल अलग है. यू नीड टू लर्न द लॉ, एंटायर लॉ ऑफ 23-24 फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट इज इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन? मित्रों एवरीवन, चलिए ये इंटरेस्ट वाला पार्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 5% के तो जो पॉइंट्स थे वो तो सब चिदंबरम जी और जेटली जी मिलके लाए थे और आंटी ने उसमें से 4 चीज निकाल भी दिया. कैन यू ऑब्जर्व दैट? आंटी बोली कि मैं कुछ नहीं लाऊं ऐसा कैसे चलेगा. तो आंटी का ईरा स्टार्ट हुआ एंड आंटी गिव्स अस द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट, एनी इंटरेस्ट दैट यू अर्न ऑन आरडीबी. आरडीबी मतलब यही जो अभी अभी आपको बताया था, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड. एनी इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्न ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विच हैव बीन इशूड, इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इशूड ड्यूरिंग द पीरियड 17 September 2018 टू 31st March 2019. Will be exempt. Rupee denominated bonds जो qualified foreign investor के लिए. मित्रों पहले तो आपको answer करना पड़ेगा, qualified foreign investor rupee denominated bonds, what is the tax rate April में June? 5% and July onwards 20%. April में June 5, July से 20%. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अप्रैल में जून 5 और जुलाई से, हाँ वो 5 ही रहेगा. बिजनेस ट्रस्ट लोन अग्रीमेंट अप्रैल में जून 5, जुलाई से, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर अप्रैल में जून, रेस्ट ऑफ द ईयर ऑल्सो 5. नाउ अंडरस्टैंड, आज से कुछ साल पहले, कैन यू अंडरस्टैंड, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 18-19 ब्रो. आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट को अचानक से मूड हुआ, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया,
गवर्नमेंट इज सेइंग दैट अगर आपने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है ड्यूरिंग विच पीरियड 17 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19 तो आपका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट 31 मार्च 19 इसके बाद 19 20 20 21 21 22 22 23 चार साल हो गया आप तो 23 24 में बैठा है तो फिर आज जो ये लाइन लिखा है उसका ऑब्वियसली कोई रेलेवेंस है? है? Yes, because we have to see when you invested. अगर उस डेट को किसी ने इन्वेस्ट किया था तो आज भी एग्जाम एक टेम्पररी रिलीफ लाया था FIIs के लिए दैट यू वॉन्ट टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स वी आर गिविंग यू गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस पीरियड में अगर आप आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आगे आपके इंटरेस्ट के ऊपर फॉर एवर टैक्स नहीं लगेगा इवन इन 23-24 वी डोंट हैव टू सी व्हेन द इंटरेस्ट इज बीइंग अर्न वी हैव टू सी व्हेन द बॉन्ड्स वर इशू इशू कब हुआ था आपने इन्वेस्टमेंट कब किया था इस पीरियड में किया एक टेम्पररी इन्विटेशन था आ जाओ करवा दूंगा तो वो टेम्पररी इन्विटेशन में वी गेव दैट एग्जेम्पशन आर यू विथ मी इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है आज भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू में अपने एमसीक्यू बुक में वो आपको मिलेगा भी एक्स लिमिटेड इन इंडिया इज पेइंग इंटरेस्ट टू क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर ए एंड वाई लिमिटेड इज पेइंग इंटरेस्ट टू क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर बी ये दोनों क्यूएफआई क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा क्यूएफआई क्योंकि वो आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज सेबी रेगुलेशंस के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते द डिफरेंस इज ही इन्वेस्टेड इन मार्च 19 He invested in April 19. आज की डेट में तो आप देखोगे तो दोनों को पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना क्योंकि 1st अप्रैल से दोनों इन्वेस्टर्स हैं. क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द टीडीएस ड्यूटीज ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड नॉन रेसिडेंट है आपको याद है एक लाइन बोला था और बार बार बोलते जाऊंगा जब तक टीडीएस नहीं होता है क्या फॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्स इक्वल टू टीडीएस टीडीएस इक्वल टू टैक्स टैक्स इक्वल टू टीडीएस मतलब कहना इसे इन दोनों का जो भी टैक्स होगा वो इन दोनों को टीडीएस बना के काटना होगा मतलब आस्किंग देयर टीडीएस ड्यूटी इज सेम एज आस्किंग देयर टैक्स लायबिलिटी ऑप्शन वन बोथ हैव टू डिडक्ट एट 5% प्लस एसईसी क्योंकि 5% तो बेसिक रेट था ना 5% प्लस सेस ऑप्शन टू नन ऑफ देम हैव टू डिडक्ट एनी टीडीएस ऑप्शन थ्री X limited has to deduct, but Y limited does not have to deduct. Option 4. Y limited has to deduct, but X limited does not have to deduct. Option 4. क्यों? क्योंकि इसने जब invest किया तब ये taxable था. तो इसको TDS deduct करना है. लेकिन इसने जब invest किया तब ये exempt था. तो इसको नहीं करना है. You understood? कैसा घुमा के they actually came to the question. Did you understand this? Everyone? Mitro, so that is why this line is relevant even today. Interest on rupee denominated bonds issued during this period will be exempt. Everyone clear? Moving on. Iske baad entry bolti hai that if you are earning interest on International Financial Services Center, IFSC. Pehle to ek baat yaad karo, dividend income mein bhi IFSC ke upar kuch tax benefit hai. Kya? नॉर्मली 20 था बट अब 10 हो गया दैट इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट करेक्ट अब आप आईएफएससी के ऊपर डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट कमा रहा है आंटी बोली इफ द इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट मेड ऑन और आफ्टर 1/9/19 तो एग्जैक्ट तो जिस टाइम आंटी ने ये वाला लाइन बोला था उस टाइम पे ये भी लाइन बोला इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 19 एग्जाम क्योंकि आईएफएससी के अंदर तो टैक्स बेनिफिट देना है तो जो नॉर्मली लोगों को 20 लगता है कुछ लोगों को 5 लगता है आईएफएससी के ऊपर पूरा एग्जाम यू अंडरस्टूड फिर अचानक से आंटी को चमका क्लिक हुआ उनको कि यार 20 बहुत ज्यादा था सम पीपल वी वॉन्ट टू गिव एडवांटेज तो वी रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 20 to 5 बट इनका तो जीरो हो गया ना 20 बहुत ज्यादा है 0 बहुत कम है 5 रखेंगे ना 5 तो ऐसा लगेगा कि सर आप तो आईएफएससी को इन लोग जैसे ही मान रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड तो एक काम करता हूं करता हूं आंटी ने यहां पे एक चेंज लाया बोली कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20
तो 4% लगाऊंगा। मतलब कहना इसे देयर फॉर ये टिल 31st मार्च 20 हो गया बाय डिफॉल्ट। सो हुएवर हैज इन्वेस्टेड, जैसे ये था ना इस पीरियड में इन्वेस्ट किया तो एग्जेम्प्ट, वैसे ही इस पीरियड में इन्वेस्ट किया तो एग्जेम्प्ट। लेकिन 1st अप्रैल 20 से जो एग्जेम्प्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा। व्हाट रेट? 4%। समर लाइक, ठीक है, 20 था, 5 भी था, एक और केस आ गया, दैट इज 4%। बिकॉज नाउ इफ द इन्वेस्टमेंट इज ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 23, और रुको रुको कंफ्यूजन होएगा, ये जरूरी है आपको समझना, इसलिए लाल करना पड़ेगा। और अप्रैल नहीं है, जुलाई है, 9%, ऑब्वियसली रेड है मतलब, तो दिख रहा है ना सामने, येट अगेन एन अमेंडमेंट इन 23-24। So if the investment in IFSC has taken place during April, May, June of your exam, तो आप 4% लगाएंगे, और जुलाई ऑनवर्ड्स अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो आप 9% लगाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है, दैट इज आंटी का गिफ्ट। अब बोलने के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ सर, लेकिन आंटी ने देखो 5% से कितना सारा निकाल दिया, सो दैट वे शी हैज रिड्यूस्ड, लेकिन इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मैं 25 वालों को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको डे वन से उनको 5% में दो ही चीज आएगी, बाकी के सब निकल गए। बट देन व्हाट इफ आई टेल यू, यहां पे 4 लाइन निकालो, आंटी दूसरी 40 जगह पे लाइंस ऐड करेगी, तो नेट में उनको भी नुकसान ही है। मैं 25, डोंट बी जेलस ऑफ द पीपल 1 ईयर आफ्टर यू, वैसे आप लोग उनसे 1 साल पहले सीए भी बनोगे। ओके, नाउ वेदर यू लाइक इट और हेट इट, दिस इज द प्रोविजन इंटरेस्ट इनकम। अभी कोई कोई तो इसमें, सर अपन कौन सा चैप्टर कर रहे थे इसमें, कभी कभी ऐसा भी फील आता है बाई द टाइम वी कम्प्लीट द इंटरेस्ट वाला पार्ट ना, ऐसा आता है, तो मैं याद दिलाता हूँ वापस एक बार, वी आर डूइंग स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, पहला वाला सेक्शन विच इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये सेक्शन इतना टाइम लेगा जितना रेस्ट ऑफ द चैप्टर टोटल मिला के भी लेगा। सो वॉट इज द सेक्शन गोइंग ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एंटायर सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, सेक्शन 115A, नॉन रेसिडेंट इनकम, पहला, जैसा मैं पूछता हूं आप बोलते जाना, सी इफ यू आर एबल टू आंसर, तो आपको साथ में लर्न भी हो गया। नॉर्मली डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स 20, बट डिविडेंड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट एंड IFSC 10%, और IFSC वाला अमेंडमेंट है, दैट इज द 1st अमेंडमेंट। आप अपने आप को याद करके पार्टिसिपेट करोगे, जितना आंसर दोगे ऐसा लगेगा हाँ ये वाला सेक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड है क्लास में लर्न हो गया। इफ यू ट्राई टू लर्न थिंग्स इन क्लास इटसेल्फ, योर रिविजन टाइम बिकम्स लेसर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर जाके आपको उसके बाद में सिर्फ रिवाइज करना है, लर्निंग वाला पार्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ट्राई टू डू इट इन क्लास इटसेल्फ। हाँ, तो फिर उसके आगे भी वेंट टू नेक्स्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 20%, मगर कुछ कुछ केसेस को निकाल के 5% में डाला। इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5% पूरा फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर जो प्रॉफिट के साथ में जाता है 5% फुल ईयर। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट का जो लोन अग्रीमेंट वाला है वो अप्रैल मई जून में 5, बाद में 20 होगा। इंडियन कंपनी डूइंग एनी बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस 1st 5, देन जुलाई से 20 होगा। म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पहले 5, बाद में 20 होगा। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर एज पर सेबी रेगुलेशंस पहले 5, बाद में 20 होगा। देन केम द आंटी इरा, वो बोली IFSC विल बी एक्सेप्शन ऑलवेज, तो अगर 1st September 19 के बाद IFSC में इन्वेस्ट करोगे तो एग्जेम्प्ट, लेकिन मार्च 20 तक, क्योंकि अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स इन्वेस्ट किया तो 4%, जून 23 तक, जुलाई 23 से इन्वेस्ट किया तो 9%। ये सब आंटी का गिफ्ट है टू द प्रोविजन, इज दैट क्लियर? और क्योंकि IFSC की इतनी सारी बात हम यहां पे करते हैं, तो वन सेक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस 115A, बट इट इज रिलेटेड टू IFSC से रिलेटेड एक सेक्शन हम लोग इधर कंप्लीट कर देते, दैट सेक्शन इज सेक्शन 80L। ईशा, आपको कुछ डाउट था? I thought you raised your hand. Section 80LA. अब अच्छा, नाम देख के समझ में आता है, this is not from this chapter, this is a deduction of chapter 6 है. उसके अलावा can you tell me something about this section? ये आपने बोल दिया तो कोई मान काम नहीं किया, 80 लगा के कुछ भी दे दूंगा तो आप 6 से ही बोलेगा,
आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू सी आपका क्या लेवल है। न्यू रेजिम में ये वाला डिडक्शन अलाउड है, इट फॉल्स इन द एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर 6 ए नॉट बींग अलाउड, याद आया, विच इज अ डिडक्शन फॉर आईएफएससी, क्योंकि आईएफएससी का इतना सारा बात हो रहा है ना, तो इसको इधर ही कंप्लीट कर लेंगे। देर इज गोइंग टू बी अ टैक्स डिडक्शन फॉर आईएफएससी, आईएफएससी को मिलेगा डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, इट्स नॉट एन एग्जेम्पशन, इट इज अ डिडक्शन। डिफरेंस क्या होता है, एग्जेम्पशन वी डोंट राइट इन अवर इनकम, हम जीरो लिखते हैं, एग्रीकल्चर इनकम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फॉर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इच्योर, लेकिन डिडक्शन क्या होगा, विल राइट दिस प्रॉफिट इन द पीजीबीपी इन द कंप्यूटेशन, दिस प्रॉफिट विल कम इन द ग्रॉस टोटल इनकम, और फिर ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे हम लोग इसको माइनस करते हैं, दैट इज अ डिडक्शन 100%, मतलब ऊपर इंक्लूड नीचे माइनस, इंक्लूड माइनस, इंक्लूड माइनस, इंक्लूड माइनस। एंड समर लाइक सर जब इंक्लूड करके पूरा ही माइनस करना है तो एग्जेम्पशन बनाओ। देखो अगर किसी चीज को एग्जेम्पशन बनाते हैं तो अमाउंट कॉलम में जीरो लिखा जाता है, इट इज लाइफ टाइम जीरो, लेकिन अगर किसी चीज को डिडक्शन बनाया तो हम लोग सपोजिंगली अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखा, वी गॉट अवर ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख। हाँ नहीं आ रहा है, होता है कभी कभी, इधर आ रहा है, एक सेकेंड ना, ओ सॉरी अबाउट द इंटरप्शन एंड टेक्निकल एरर। हाँ जी, तो ATLA इज टैक्स डिडक्शन फॉर IFSC, 100% डिडक्शन ऑफ योर प्रॉफिट्स, बट व्हेन वी आर गिविंग 100% डिडक्शन, स्टूडेंट्स का क्वेरी ये रहता है सर तो एग्जेम्पशन बनाओ, मेरे को आपको डिफरेंस समझाना, एग्जेम्पशन मतलब यहां पे जीरो लिखा, ये कभी आएगा ही नहीं, डिडक्शन मतलब वी राइट प्रॉफिट, प्रॉफिट गोज इन अवर GTI, फिर हम लोग माइनस करेंगे, करेंगे टेनी, लेकिन ये हमको देना रहता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड, सो वी आर गोइंग टू गिव दिस डिडक्शन फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 10 कंटिन्यूअस ईयर्स, मतलब सुनो 10 साल तक व्हाट विल हैपन, इनकम आएगा डिडक्शन मिलेगा, इनकम आएगा डिडक्शन, इनकम डिडक्शन, इनकम डिडक्शन, इनकम डिडक्शन, इनकम डिडक्शन, 11वें साल में इनकम आएगा डिडक्शन नहीं आएगा, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इट अंडर डिडक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन डिडक्शन, यू विल गेट मोर चांसेस ऑल्सो इन अवर सिलेबस, चैप्टर 6 से भी करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ओवर स्मार्ट लोग तभी आना बंद कर देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट इज वेरी इजी, टू इजी फॉर देम, ठीक है आपकी मर्जी, तो मैं अभी बता देता हूं दैट एग्जेम्पशन वी डोंट राइट ओनली तो लाइफ टाइम एग्जेम्प्ट रहेगा, बट डिडक्शन वी ऑलवेज वॉन्ट टू गिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इंक्लूड होगा माइनस होगा बट लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, ये कितने ईयर्स के लिए 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ योर फर्स्ट 15 ईयर्स, सो द डिडक्शन इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड रिजिड। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सबसे इजी क्वेश्चन, ये डिडक्शन कितने साल तक मिलेगा, क्या होगा कंसेक्यूटिव का स्पेलिंग गलत है, नहीं ना, नहीं, आई थॉट यू आर लाफिंग फॉर दैट, आई वॉज पुअर एट ग्रामर एंड स्पेलिंग्स इन स्कूल बट परफेक्ट विद द लॉ, सो प्लीज प्लीज पे अटेंशन, हाउ मेनी ईयर्स का डिडक्शन यू विल गेट 10, बट अंडरस्टैंड द अदर टू फीचर्स, सेकेंड दे हैव टू बी कंटिन्यूस, मतलब यू कैन टेक डिडक्शन ऑफ 1357 नहीं, एंड थर्ड दे हैव टू बी आउट ऑफ योर फर्स्ट 15, मतलब यू कैन टेक ईयर 1 to 10 बट यू कैन नॉट टेक 11 to 20, 10 कंटिन्यूअस आउट ऑफ फर्स्ट 15, ऑप्शंस बताता हूं आपको, आपके ईयर 1 to 10 का डिडक्शन ले लो, या 2 to 11 ले लो, या 3 to 12, 4 to 13, 5 to 14, 6 to 15, दैट्स इट, 16th ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगा, और आप जंप मार मार के, मतलब यू मीन टू से के सर मेरा ईयर 3 में, यू कैन हैव दिस क्वेरी, सर ईयर 3 में प्रॉफिट्स था मैंने डिडक्शन लेना चालू कर दिया, तो मेरे 10 साल कौन से होंगे, 3 से 12, ईयर 4 में लॉस हो गया, अब लॉस ही है ऊपर प्रॉफिट ही नहीं है तो डिडक्शन किस बात का, करेक्ट और नो, यू अंडरस्टैंड, तो ईयर 4 में आप डिडक्शन ले तो नहीं पाओगे, तो यू लूज इट, आपका एलिजिबिलिटी पीरियड क्या है 3 से लगा के 12 तक, अभी उसमें 4 में यू आर नॉट हैविंग प्रॉफिट, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं रास्ता दिखाएगा, ईयर 3 का रिटर्न रिवाइज कर, वो डिडक्शन सरेंडर कर, दैट मीन्स तूने अपने 10 साल चालू नहीं किए,
ईयर फोर के अंदर तेरा लॉस है तो तू एलिजिबल नहीं है, ईयर फाइव ऑनवर्ड्स वापस प्रॉफिट आ रहा है तो ईयर फाइव से तेरी नई साइकिल चालू हो जाएगी और फाइव से लगाकर तेरा 14 तक चलते रहेगा। ईयर थ्री का सरेंडर करके कैंसिल कर दे डिडक्शन, बट फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज योर रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का वापस टाइम लिमिट है तो उसके लिए असेसमेंट प्रोसीजर आना चाहिए। अभी आंटी ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न, तो उसके हिसाब से भी यू कैन डू इट। अपडेटेड रिटर्न इतना ही बोलता है कि अगर तुमको इनकम कम करके दिखाना है तो चलेगा, सॉरी ज्यादा करके दिखाना है, डिडक्शन आई व्हाट आई मेंट इन माय एग्जांपल डिडक्शन, डिडक्शन कम करके दिखाना है मतलब टैक्स बढ़ा के दिखाना है तो चलेगा। तो अपडेटेड रिटर्न में यू कैन सरेंडर योर डिडक्शन। वो सब टेक्निक्स हमको प्रैक्टिकल लाइफ में आनी चाहिए। थियोरेटिकली 10 इयर्स 10 शुड बी कंटिन्यूअस एंड 10 शुड बी आउट ऑफ फर्स्ट 15। तो आईएफएससी को ये डिडक्शन मिलेगा। व्हाट इज द डिडक्शन? 100% ऑफ प्रॉफिट्स। दिस डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर द 10 इयर्स, नॉट फर्स्ट 10 इयर्स बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 इयर्स एनी 10 बट द 10 हैव टू बी कंटिन्यूअस। ये क्लियर है? दो बातें, पहली बात जो आपको पता है जो आपने ही बोला, दिस डिडक्शन इज अलाउड इवन इन न्यू रेजिम। मित्रों बराबर है? दूसरी बात, इवन अगेंस्ट, वापस हो गया, थैंक यू एंड सॉरी। ऐसा अगर कुछ भी टेक्निकल इश्यू साउंड रिलेटेड या टैब रिलेटेड आता है इमीडिएटली टेल मी। यहां पे तो ऑफ कोर्स क्या लिखा है, क्या दिख रहा है, वो विजिबल है क्लास के अंदर। सो कैन यू सी द टू पॉइंट्स? पॉइंट नंबर वन, दिस इज गोइंग टू बी अलाउड इवन इन द न्यू रेजिम। वो तो हमने किया ही था इंट्रोडक्शन में, न्यू रेजिम किया तभी। सेकेंड, दिस डिडक्शन विल बी अलाउड इवन अगेंस्ट योर इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। हमने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी और फिर एक स्पेशल पेज पे लिखी थी, क्या? Whenever an income is taxed at special rates, उसके सामने कोई भी चैप्टर सिक्स का डिडक्शन, पता है ये बात? नो चैप्टर सिक्स डिडक्शन। लेकिन उसमें मैंने बोला दो लाइन छोड़ना, देर आर टू एक्सेप्शन। क्या? जहां पे स्पेशल रेट के सामने भी डिडक्शन मिलता है। वन इज दिस केस, आई एफ एस सी विल गेट दिस डिडक्शन। तो इफ यू कैन कम बैक टू दैट पेज ऑफ स्पेशल नोट्स, क्या लिखा था आपने? सी इफ यू हैव रिटन दिस लाइन, व्हेनेवर एन इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स, नो चैप्टर सिक्स डिडक्शन। दो लाइन छोड़ा, एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, एक्सेप्ट आपने एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, तो बस नेक्स्ट लाइन पे आपको यू नो बुलेट पॉइंट करके ऐसे, या अगर आपका नॉर्मली नंबरिंग एबीसीडी करके चल रहा है तो यहां पे 1-2 करके, या नॉर्मली 1-2 कर रहा है तो यहां पे एबीसीडी करके, नंबरिंग का ध्यान आप रखो। मैं आपको पहला एक्सेप्शन बता रहा हूं, इट कैन बी बुलेट्स, नंबरिंग, एनीथिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग सब यूज करते हैं। एक्सेप्ट 80LA फॉर आईएफएससी, ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा भी आ जाएगा, अभी बहुत जल्दी आ जाएगा। Whenever an income is taxable at special rate, no chapter 6 a deduction against that income except 80LA, मतलब 80LA आपको special rate के सामने भी मिलेगा। And very soon we go to the next. So finally we can say that we have reached that stage of our life जहां पर how many people thinking के chapter खत्म? Sorry. What if I tell you के section 115A भी अब तक खत्म नहीं हुआ है? How many incomes we have completed? Dividend, interest, और इंटरेस्ट का जितना भी हमको डिस्कशन करना था, डिविडेंड के अलग अलग टाइप्स है इसलिए वी हैव डिस्कस दैट आल्सो। वी आर नाउ गोइंग टू फिनिश अवर लास्ट टू इनकम्स। एक है इनकम इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, इसका तो भी डिस्कस्ड इन DTAA चैप्टर, रॉयल्टी, द रेंट ऑन इंटेंजिबल एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टेंजिबल पे रेंट मिलता है, इंटेंजिबल पे रॉयल्टी मिलता है। एंड द सेकेंड इनकम ईयर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTS। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 115A इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर सिलेबस। 115A इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसमें एग्जाम में देखा गया है ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ऑन दीज टू इनकम्स। जब भी उनको एग्जाम में 115A पूछना होता है, विच इज ऑलरेडी अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा इसके ऊपर आता है। So you need to focus. Plus यहां पे amendment भी हुआ, I'll tell you about the amendment also. Okay? So first understand the meanings. You understand the meaning of royalty? Rent on intangible assets हमने पहले discuss किया था।
फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTS इज अ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म, सब लोग यूज करते हैं इन दोनों ही इनकम के लिए. मतलब दोज वंडरिंग के सर आपने इंटरेस्ट में तो एक पॉइंट में इतना टाइम किया और इधर दो इनकम को साथ में कर दिया, ऐसा क्यों भेदभाव? भेदभाव नहीं है, इन दोनों का रेट सेम. देयर इज नो भेदभाव. द रेट ऑफ टैक्स फॉर रॉयल्टी एंड FTS बोथ सेम. सेम तो अभी भी रहेगा. बट अभी 10 नहीं 20. एक का डबल अनुराधा. अभी 20. रॉयल्टी एंड FTS अर्न्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया विल बी टैक्सेबल एट 20% नाउ. रॉयल्टी का मीनिंग हमको ऑलरेडी पता है. सपोजिंगली FTS का मीनिंग आपको नहीं सिखाया जाता है. सी अंडरस्टैंड हाउ एग्जाम एंड लाइफ आर डिफरेंट एंड हाउ यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज योर टारगेट. इफ योर टारगेट इज एग्जाम तो सुनो, एग्जाम बोलेगा नॉन रेसिडेंट अर्न्स रॉयल्टी, व्हाट इज रेट ऑफ टैक्स? 20. नॉन रेसिडेंट अर्न्स FTS, रेट ऑफ टैक्स 20. एनी अदर इनकम विच इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर और यर इन दिस सेक्शन? नॉर्मल रेट. ठीक है चल, रेसिडेंट अर्निंग रॉयल्टी एंड FTS नॉर्मल. मतलब आपको इतना तो पता है, कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल, कॉम्बो हुआ तो अभी 20, अमेंडमेंट हो गया तो 20 कंपलसरी. विदाउट नोइंग मीनिंग ऑफ FTS यू कैन गेट मार्क्स इन योर एग्जाम एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट ब्लडी हेल अ बैड चार्टर्ड. कोई पूछेगा FTS क्या होता है? सर बस रॉयल्टी के साथ में रहता है वो 115. मीनिंग का क्या करेगा? मीनिंग जानते क्या करेगा? ब्लडी चतुर रामलिंगम. तो सुनो सुनो, FTS इज बेसिकली इनटेंजिबल सर्विसेज. जब मेरे पास कोई एसेट है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ड्राइंग, डिजाइन, ब्रांड, और मैं आपको वो यूज करने के लिए दू तो रॉयल्टी. इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज ये मानती है कि ह्यूमन सर्विसेज आर ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स. तो अगर मैं आपको कोई इंटेंजिबल एसेट इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, ड्राइंग यूज करने के लिए दू तो वो भी एक रॉयल्टी है. और कोई ह्यूमन सर्विस इन्वॉल्व है, आपके पास कोई ट्रिक है, कोई टेक्निक है, कोई कला है, तो दैट इज ऑल्सो टेक्निकल सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग. इंडिया बोलता है नहीं, वी विल सेग्रीगेट ह्यूमन सर्विसेज फ्रॉम एसेट्स. अगर आप किसी को आपका एसेट यूज करने के लिए देते हो, इंटेंजिबल ऑफकोर्स, तो दैट विल बी कॉल्ड रॉयल्टी. लेकिन अगर आप किसी को सर्विसेज देते हो, ह्यूमन सर्विसेज, दैट विल बी कॉल्ड टेक्निकल सर्विसेज. अलग किया. दिस इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड. पूरी दुनिया बोलती है कि FTS का मीनिंग हमको इंडिया ने सिखाया, ह्यूमन सर्विसेज को अलग करो. बाद में इंडिया बोलता है रेट दोनों का सेम. तो अलग क्यों किया? साथ में ही रखता रॉयल्टी FTS दोनों के ऊपर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज गोइंग टू बी 20%. बट अंडरस्टैंड, ह्यूमन सर्विसेज कैन ऑल्सो इंक्लूड एम्प्लॉइज. बट वो तो अंडर एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स सैलरी होता है, परमानेंटली आपको काम करना पड़ता है. दैट इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी, नॉट डिस्कस्ड हियर. ह्यूमन सर्विसेज हैव वन मोर थिंग कॉल्ड प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज. एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एसेट्स हमने निकाल दिए, तो इन दोनों के बीच में तो यू नो डिस्टिंग्विश करना बहुत ईजी है. भले इनका टैक्स रेट सेम है, यहां पे एसेट्स आएंगे, यहां पे ह्यूमन सर्विसेज. रादर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड प्रोफेशनल फीस बिकॉज बोथ इन्वॉल्व ह्यूमन सर्विसेज. तो जब भी आपको किसी फील्ड का डिग्री है, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वेदर यू आर अ CA, CS, लॉयर. किसी के घर में है लॉयर? नहीं नहीं तो क्या हो? बुरा लग जाएगा, लफड़ा हो जाएगा. अच्छा, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट. इंजीनियरिंग इज नॉट एजुकेशन बट इट इज स्टिल अ डिग्री. डॉक्टर है किसी के घर में? इतने सारे कौन है? बहुत दूर होते हैं. मॉम, व्हाट डज शी प्रैक्टिस? और मतलब MBBS जो प्राइवेट क्लिनिक्स. अच्छा, वो किस चीज का होता है मतलब? अच्छा, और आपका सग्गा भाई? तो उसने आपको ये नहीं बोला यू ऑल्सो बिकम डॉक्टर? नहीं. क्योंकि वो बनते बनते डॉक्टर में क्या, बनने में इतना टाइम लगता है, तब तक खुद का ही इलाज करना पड़ता है. मतलब वो एज आ जाती है, बाय द टाइम यू एक्चुअली कॉल योर सेल्फ अ प्रॉपर डॉक्टर, यू नीड ट्रीटमेंट योर सेल्फ. तो ठीक है, समर लाइक के सर CA कंप्लीट होते होते भी इधर ट्रीटमेंट लगने लग जाता है. सर हम ऑलरेडी उस फेज में जी रहे हैं सर.
मतलब वेरी सुन वी विल नीड ट्रीटमेंट हियर ऑल्सो. तो ये जो ये दीज आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सी वेदर कॉमर्स और साइंस, सी ए सी एस, लॉयर, सी एम ए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो प्रोफेशन है दे आर प्रोफेशनल फील्ड. लेकिन आपको सिर्फ किसी चीज का नॉलेज है विदाउट हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री. यू ओनली हैव वॉट नॉलेज. सपोजिंगली आपका कंप्यूटर का एएमसी लिया है आपने कि पूरे साल में कुछ भी खराब होएगा तो ठीक करने के लिए आएगा, खाली पार्ट्स का पैसा लेगा. एसी का एएमसी लिया है. दिस गाइज हैव नॉलेज अबाउट दिस थिंग बट दे डोंट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री. दैट इज हाउ वी सेग्रीगेट प्रोफेशनल फीस एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. गुड थिंग इज दैट सेग्रीगेशन इज बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट हुआ तो वी हैव टू ब्रिंग इट हियर. रेसिडेंट को तो नॉर्मल रेट में जाना है और रेसिडेंट का प्रोफेशनल फीस हो चाहे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, दोनों का टीडीएस 194J में दिया है. 2 मिनट साइलेंस फॉर यू इफ यू थिंक दैट आपको टीडीएस बहुत आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 194J में एक नहीं 5 पेमेंट कवर्ड है. प्रोफेशनल फीस इज जस्ट वन ऑफ द 5. उसमें फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी का भी टीडीएस उधर ही आता है. डायरेक्टर सिटिंग फीस जो उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का पैसा मिलता है वो भी उधर ही आता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन कॉम्पीट फीस. मेरे साथ कॉम्पिटिशन मत कर, उसका पैसा मिलता है. हमारे प्रोफेशन में कुछ एक्सट्रीम लेवल पे ये होता है. मेरे एरिया में मत आके पढ़ा, उसका पैसा ऑफर करते हैं लोग. फॉर नॉट वर्किंग इफ यू गेट पेड दैट इज नॉन कॉम्पीट फीस. वर्किंग के लिए प्रोफेशनल फीस, वो सबका टीडीएस 194 जी. ओके, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एक छोटा सा स्टोरी है. अगर आज आप ये स्टोरी समझ गया आपको अगले जन्म तक याद रहेगा, अगर आपका सीए तब तक चालू होता. वॉट इज दिस आइडिया, होल आइडिया बिहाइंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉयल्टी एंड एफटीएस, हाउ रॉयल्टी इज रिलेटेड टू एसेट्स बट एफटीएस इज रिलेटेड टू ह्यूमंस. हैव यू ऑल हर्ड ऑफ अ कंपनी कॉल्ड इंटरनाची? इंटरनाची नहीं, कैसे सुनोगे? इट इज एन अमेरिकन कंपनी. और ये जो बिजनेस भी कर रही है ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में होता है. इंडिया जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो होता भी नहीं है ये बिजनेस. द बिजनेस इज कॉल्ड होम इंस्पेक्शन. यू हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट. होम इंस्पेक्शन क्या होता है? कोई आइडिया नहीं. इंडिया में इसको आने में बहुत समय लगेगा. होम इंस्पेक्शन का बिजनेस बेसिकली, अगर आप एक घर खरीद रहे हो मुंबई सिटी में, इफ आई हैव टू बाय अ हाउस, देख इनहेरिटेंस से तो तुम आकाश अंबानी भी बन सकते हैं. इनहेरिटेंस इज नॉट काउंटेड. एंड आई एम प्राउड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ इज दैट आई एम सेल्फ मेड विदाउट अ सिंगल रुपी ऑफ इनहेरिटेंस. एटलीस्ट नाउ, बाद में कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट नाउ विदाउट अ सिंगल रुपी ऑफ, जो भी मेरे पास है खुद का कमाया हुआ, दैट इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट. तो अगर मुंबई में मुझे अपने कमाए हुए पैसे से घर लेना है, वो मैं आज भी नहीं ले सकता. इनहेरिटेंस में तो डैडी का लिया हुआ घर बेच के उसके डिफरेंस को भर के, दैट इज वेरी इजी. इवन टुडे आई कैन डू दैट. इफ आई हैव टू बाय अ हाउस इन मुंबई विथ माय ओन मनी, आई हैव टू फर्स्ट सेल माय सेल्फ ट्वाइस. एक बार में नहीं होगा, ट्वाइस. तो जब आदमी मुंबई जैसे सिटी में 5-6 करोड़ रुपए का घर खरीदता है, तो वो घर खरीदने के टाइम पे वुड यू नॉट वॉन्ट टू बी श्योर कि ये घर खरीदने लायक है कि नहीं? Is it worth buying this house at this price? तो ये कंपनी करेगी होम इंस्पेक्शन. आपको इस कंपनी को इन्वाइट करना है. दे विल कम टू द साइट जहां पे आप घर सोच रहे हो खरीदने का. वो उसका बिल्डिंग का लाइक अ स्ट्रक्चरल ऑडिट, थोड़ा वॉल का सैंपल, रूफ का सैंपल, एक्सटर्नल बिल्डिंग का सैंपल थोड़ा चेक करेगी वेदर द बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इज प्रॉपर और नो. कई बार ऐसा होता है 10 माले की बिल्डिंग है और सेकेंड फ्लोर पे बारिश का पानी अंदर आ रहा है. Because construction is not proper. I am staying in a building which has 65 floors. And constructed by the so-called number one developer of India, Lodha. Also the richest politician of the country. Her floor pe leakage hai. Her floor pe. But jo flat owners hai, wo apna dard kisi ko bata nahi sakte. Agar logo ko jaake batayenge na, ke aisa leakage hai, unke flat ka bhaav girega. Rates are touching sky. Rent charge kar raha hai aaj ki date mein mera landlord mahine ka 1,10,000 rupaye. मंथली रेंट इज चार्ज इतना एक्सेसिवली इन्फ्लेटेड बलून है वो कभी भी फूट जाएगा, अंदर ही अंदर लीकेज है. ऑल दीज फ्लैट ओनर्स हु हैव स्पेंड देयर लाइफ का हार्ड अर्न मनी नाउ रिग्रेट. बट साले बिचारे, सॉरी लैंग्वेज, बिचारे किसी को जाके बोल भी नहीं सकते क्योंकि बोला तो उनका ही रेट गिरेगा. रेंटल वैल्यू विल ऑल्सो फॉल, ह्यूज नंबर ऑफ टेनेंट्स ऑल्सो स्टेइंग इन द बिल्डिंग एंड रेंट विल ऑल्सो फॉल, सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो फॉल. अगर ये कंपनी वहां पे इंडिया में काम कर रही होती तो क्या होता?
ये कंपनी इंस्पेक्शन करेगी। बहुत बार डेवलपर आपको प्रॉमिस कर देता है कि खास करके ये लोडा, वो बोलेगा कि आपका 1150 स्क्वायर फीट कारपेट, तुमने कभी ऐसा माप के देखा 1150 है कि नहीं? हैव यू एवर डन द मेजरमेंट? नहीं, 1150 बोलेगा, मापेगा तो 1000 ही निकलेगा। और 50,000 के भाव से बेच रहा है, मतलब 150 स्क्वायर फीट इक्वल टू 75 लाख रुपीज। समझ लो, आप 150 स्क्वायर फीट कम दिया 50,000 का रेट चार्ज करके, तो 75 लाख रुपीज पैसा लेगा बिल्टअप का और देगा कारपेट एरिया, कारपेट एरिया भी कम निकलेगा। सो दिस कंपनी विल मेजर कि ये फ्लैट खरीदने लायक है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, एंड वेदर द साइज इज प्रॉपर और नो, वेदर यू शुड बाय और नॉट बाय। इट इज लाइक एन ऑडिट ओनली, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। और उसका ये 50,000 रुपया लेगी। तो माई वाइफ हैज टू ब्रदर्स, एल्डर वन इज द पॉसिबली द रिचेस्ट एल्यूमिनियम इंपोर्टर ऑफ द कंट्री, कोलकाता फॉर श्योर, बट कंट्री का भी हो सकता है। यंगर वन यूजलेस फेलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, घर में इज्जत नहीं, उनके घर में दो ऑलरेडी थे, कम पड़ रहा था तो तीसरा लेके आए। तो वैसे उसने कुछ साल जॉब किया और जॉब करने के टाइम पे ही लर्न द थिंग कॉल्ड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स एंड ऑल, उसकी आर्टिकलशिप के टाइम पे उसने सीखा, पोस्ट क्वालिफिकेशन वही, एंड वो वैल्यूएशन साल के 2 या 3 कंपनीज के करता था, उसमें ही यूज्ड टू अर्न एज साइड इनकम मोर देन व्हाट आई अर्न फॉर द फुल ईयर। वो उसका मेरे पीजीबीपी से ज्यादा उसका आईएफएस। फिर अल्टीमेटली बिजनेस फैमिली है, तो एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी हमको बिजनेस ही करना है, तो जाके मिला इस कंपनी से, विच इज द ग्लोबल लीडर ऑफ द बिजनेस कॉल्ड होम इंस्पेक्शन। बोला बिजनेस इज इंडिया में ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऐसा कुछ बिजनेस लाओ जो कोई करता ही नहीं, दिस इज द ग्लोबल लीडर। अमेरिका गया इस कंपनी से मिलने के लिए, अमेरिकन कंपनी। बिजनेस तो क्या था उसका, 6 महीने बाद शादी था और पैसा उड़ाने के लिए गया था क्योंकि वापस चांस मिलने वाला नहीं था। एंड हाउ मच मनी हिज फादर हैज, दे डोंट हैव टाइम टू काउंट ऑल्सो, दे डोंट हैव प्लेस टू कीप ऑल्सो। मैं तो कितनी बार सोचता हूँ, व्हेनेवर दे टेल मी कि आप भी हमारे बेटे जैसे है, आप भी हमारे बेटे जैसे, आई फील लाइक आस्किंग, आप मेरे को क्लियरली बताओ 1/3 अलग करने वाले हो क्या, तो मेरे को पता चले कि भाई आप भी मेरे बेटे जैसे है कि नहीं। मेरा ये रोज का सुबह सुबह का अलार्म का झंझट मारी खत्म होता है। मतलब यू अंडरस्टैंड नो हाउ इंटेलिजेंट बिजनेसमैन आर दैट वे। तो ही वेंट ओवर देयर, ही मेट द कंपनी। कंपनी का क्राइटेरिया था कि वी विल मेक यू द इंडिया हेड ऑफ इंटरनाची। इंडिया हेड क्या, वो अकेला ही पूरा इंडिया में इंटरनाची का काम कर रहा है तो हेड ही निकलेगा ना, का इंडिया हेड। वी विल यू ओपन अवर सब्सिडियरी कंपनी इंटरनाची इन इंडिया। आपको दो इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको एक कैमरा खरीदना होगा, स्पेशल कैमरा आता है जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, स्पेशल कैमरा, वो दीवार का रूफ का फोटो खींचने के लिए। और सेकंड, आपको एक ऑफिस, वैसे ऑफिस तो खाली मीटिंग्स के लिए, वैसे काम तो साइट विजिट का होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ऑफिस आपके पास होना चाहिए, ओन्ड और रेंटेड इज योर चॉइस। अगर आप ये दो इन्वेस्टमेंट करते हो, बाकी सब काम हमारा। आप क्लाइंट लेके आओ, क्लाइंट आपको जो भी साइट पे लेके जाता है उसके फोटोज खींचो, बस आपको खाली वो जो कैमरा का आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे फोटो खींच के हमको भेजना है, और रिपोर्ट पूरी हम बना के भेजेंगे, क्वेरीज होएगा तो आंसर हम करेंगे, हम लोग आधा आधा पैसा बांटेंगे। सो द क्लाइंट विल पे हिम 50,000, ही हैज टू पे द पेरेंट कंपनी 25,000। उसका काम खाली क्या है, क्लाइंट लेके आने का और फोटो खींच के पेरेंट कंपनी को भेजने का, होम इंस्पेक्शन 50,000 रुपया। एंड देन नाउ दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड दिस गाय वर डिसाइडेड, ही कम्स बैक टू मुंबई, अमेरिका से तो लैंड किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, एंड ही कम्स एंड मीट्स मी। मेरा पहला ऑफर ये था कि अगर आपको मुंबई में ऑफिस चाहिए तो आप मेरी ऑफिस यूज कर सकते हो, मतलब बोलना पड़ता है, घर में रहना भी है तो बोलना पड़ता है, आप मेरी ऑफिस यूज कर सकते हो। 6 महीने बाद अगर बिजनेस चलेगा तो आई विल टेक पार्टनरशिप, ये भी बोलना जरूरी था ऑब्वियसली। बट देन हिज क्वेश्चन वॉज, आपको क्या लगता है इस बिजनेस का इंडिया में स्कोप क्या होगा? Now, every time my wife का family is asking me, आपको क्या लगता है? They have already decided. My opinion is irrelevant. They have decided कि उनको क्या करना है. Okay? But I am still expected to give honest opinion. तो जो भी मेरा उनको आंसर था वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको क्या, एंड आई एम आस्किंग विथ ऑल सिंसियरिटी, आपको क्या लगता है? जो आदमी 5 करोड़ का घर खरीद रहा है वो 50,000 रुपया फॉर एन इंस्पेक्शन, ताकि मैं सेफ तो हो जाऊं, ये घर लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, लेने के बाद में रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए, वो 50,000 रुपया खर्चा करेगा क्या? आपको क्या लगता है? यू विल से यस, यू से नो। यस बोलो या नो बोलो, क्यों नो?
मेरा आंसर था, छोड़ो अभी मैं मेरा आंसर बता, नाउ यू विल बी लाइक के सर तो फिर हमारा आंसर भी रेलेवेंट नहीं है ना, इट इज सब्जेक्टिव, इट वॉज एन ओपिनियन. मेरा आंसर था दिस बिजनेस विल मिजरेबली फेल इन इंडिया. फेल नहीं होएगा, मिजरेबली फेल होएगा. तुमको एक ग्राहक भी नहीं मिलेगा, एक कस्टमर नहीं मिलने वाला. बोला ऐसा क्यों? तो बोला इंडिया में जब आदमी घर खरीदता है ना तो 17 अलग अलग टाइप के जुगाड़ लगाता है वो घर मैनेज करने के. कुछ शेयर्स बेचेगा, कुछ पुराना कुछ प्रॉपर्टी बेचेगा, थोड़ा गोल्ड जमा किया वो बेचेगा, थोड़े रिलेटिव से बोरो करेगा, थोड़ा बैंक लोन लेगा, थोड़ा ससुर से भीख मांगेगा, थोड़ा ऐसा कर करके फाइनली जब वो घर होता है तब हम सोचते सोफा बाद में लेके आएंगे. ऐसे ऐसे लोग हैं, अनलेस यू आर अंबानी और अडानी वो अलग बात हो गया. हम मारवाड़ी फैमिली में घर खरीदेंगे ना, मेरे को आज भी याद है आज से 20 साल पहले जब मुंबई में पहला घर मेरे डैडी ने खरीदा था, साउथ बॉम्बे में 2 BHK इज अ बिग अचीवमेंट. हमने खाली हॉल में टीवी लगवाया था क्योंकि बेडरूम का अभी इन्वेस्टमेंट करने जितना नहीं था, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया. बोला 6 महीने में वापस लेवल पे आएंगे, उसके बाद में बेडरूम में टीवी लगेगा. और हॉल में 29 इंच का वो प्लाज्मा टीवी या LCD लगाने का उतना पैसा नहीं था. वो तो फिर कंपनी ने एक ऑफर लाया कि अगर लास्ट 6 महीने में आपने हमारे यहां से टीवी खरीदा है उस टीवी का पूरा पैसा वापस मिलेगा अगर आप हमारे यहां से प्लाज्मा खरीदते. तो रिटर्न में विजय सेल्स ने ले लिया था और बदले में हम लोग नया टीवी लेके आए, पर बेडरूम में टीवी फिर भी नहीं लगाया था. फिर सोचा कि यार डाइनिंग टेबल और सोफा के बिना हॉल अच्छा नहीं लग रहा है, नया घर है, एक बार सस्ता वाला लेके आते हैं, बाद में थोड़े टाइम बाद में अच्छा और लेके आते. दैट इज हाउ एन इंडियन मैनेजेस अ हाउस, अ नॉर्मल इंडियन. तुम अंबानी अडानी होएगा तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं. तुम्हारा टारगेट अंबानी अडानी था भी नहीं, तुम्हारा टारगेट नॉर्मल होम बायर्स ऑफ द कंट्री है. वो जब उसको तुम बोलेगा ना 50,000, बोलेगा ए भाई मैं ऑलरेडी इतना तो भीख मांग मांग के ला रहा हूं, 50,000 नहीं है मेरे पास देने के लिए. अच्छा तुम तो बोल देगा मत खरीद, तो भी 50,000 तो लगेगा, फिर दूसरा घर वो जाके देख के आएगा. तुम बोलेगा वो भी तुम तो हर बार मत खरीद ही बोलेगा, हर बार 50,000 ले भी लेगा. बेचारे का घर तो हो नहीं रहा, हर बार 50,000 रुपए का खर्चा होते जा रहा है. आई सेड इट विल मिजरेबली फेल, बट एज यूजुअल द होल फैमिली डज नॉट लिसन टू मी. तो ही डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस बिजनेस एंड हुआ वो ही जो आप जो मैंने बोला था, एक कस्टमर ही नहीं मिला. फाइनली फैमिली बिजनेस में चला गया क्योंकि वहां पे भी इतना ज्यादा स्कोप है. द एल्डर ब्रदर डज नॉट नो लॉ एट ऑल. वो तो कस्टम ड्यूटी का चोरी किया, ये पेपर वर्क खराब किया, वो पेपर वर्क खराब किया. एक एक कंटेनर जो वो लोग इंपोर्ट करते हैं ना उसमें खाली ड्यूटी इवेजन इज 5-10 lakh rupees. ड्यूटी इवेजन उसको बेच के जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नहीं बता रहा हूं, खाली कस्टम ड्यूटी का चोरी था 5-5, 10-10 lakh rupees. मतलब मेरा जो पूरा साल का इनकम है वो एक कंटेनर में, और मेरे ख्याल से महीने का 4 कंटेनर तो आता ही होगा, वो एक कंटेनर में वो लोग ड्यूटी इवेड कर रहे हैं, प्रॉफिट अलग. फिर एक दिन कस्टम वाले ने जब कंटेनर पकड़ लिया ना, सब खाया पिया बाहर निकल गया. 1.5 महीने तक कंटेनर वॉज लाइंग ओवर देयर. एक तो प्रॉफिट्स लॉस्ट, जो अपना सप्लायर है उसको तो वी हैव टू पे इन एडवांस, तो मनी ब्लॉक्ड. और ऊपर से वहां पे कस्टम्स में जब अपना कंटेनर ब्लॉक रहता है तो एवरीडे का डिटेंशन चार्जेस वी हैव टू पे. तो फाइनली दिस यंगर ब्रदर हु हैज ऑफ कोर्स नॉलेज, इनफ नॉलेज ऑफ लॉ, अल्टीमेटली इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने सब कुछ सारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन किए, लेकिन ये बिजनेसेस तो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ. हुआ तो हुआ, अपने को क्या, अपने को एग्जाम्पल मिल गया. अरे वो लोग मेरे वैसे काम नहीं आते, कम से कम एग्जाम्पल में तो काम मिलू. ये जो 50 में से 25 वो पेरेंट कंपनी को जाने वाला था, दैट इज टेक्निकल सर्विसेज का ही पेमेंट था. दैट पेरेंट कंपनी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, सेंडिंग इट, आंसरिंग ऑल द क्वेरीज, सब कुछ तो वही कर रहे हैं. हम तो खाली कस्टमर ढूंढ के लाए, हमारा इन्वेस्टमेंट खाली कैमरा है. That amount paid to the parent company is without a professional degree, fees for technical services. Samjha? To if you want to know more about it, have you heard of a company called 3Mobile? Nahi? It is an Australian telecom company. बहुत बार आप देखोगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सीरीज होता है और अगर ये स्पॉन्सर करता है ना तो जिधर से बॉलर भाग के आता ना वो बॉलिंग एंड में वहां पे घास के ऊपर 3Mobile का डिजाइन बना हुआ है. ग्रास मतलब घास थोड़ा सा. Let's be sophisticated. वो 3Mobile का डिजाइन बनाया हुआ रहता है. ऑस्ट्रेलियन टेलीकॉम कंपनी. टेलीकॉम कंपनी को कॉल सेंटर चलाने पड़ता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर आपका सिम कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फोन करके बोले मुकेश भाई सिम नहीं चलती. बिकॉज यू आर टॉकिंग इन गुजराती तो हिज ड्यूटी बाउंड टू आंसर. नहीं नहीं उसके लिए लोग है और वो लोग रिलायंस के नहीं है. एक बाहर की कंपनी को बोला ये सुन ये हमारे कस्टमर्स का डेटाबेस है,
इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुमको फोन आएगा, जो हेल्पलाइन नंबर देंगे उसका फोन तुम्हारे पास आएगा, कस्टमर्स की क्वेरी रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, ये तुम्हारा काम रहेगा। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस, बीपीओ कॉल सेंटर को दिया जाता है। कॉल सेंटर रिलायंस का एम्प्लॉय नहीं, हम सिम कार्ड बेचेंगे, ये सब करें, हम सिम कार्ड में फोकस करेंगे, तुम हमारा कॉल सेंटर चलाओ, उसके लिए वी विल पे यू। आप समझे? तो ये थ्री मोबाइल जो है, इसका कॉल सेंटर आपको पता है किधर है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इसका कॉल सेंटर पता है किधर है? कांदिवली। कांदिवली एक जगह है बोरीवली के बाजू में, मुंबई में। मतलब क्या है, यू स्टे इन वन पार्ट ऑफ द सिटी एंड यू मे नॉट हैव आइडिया अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। आई यूज टू टेक लेक्चर्स इन वेस्टर्न लाइन ऑफ मुंबई अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो, जब अंधेरी बीइंग द सो कॉल्ड हब ऑफ सीए कोचिंग, बट वंस अपॉन ए टाइम आई डिसाइडेड के बस इनफ इज इनफ। क्योंकि अंधेरी स्टेशन पे अगर आप एक पत्थर लेके खड़े हो, आप ईस्ट में फेंको के वेस्ट में फेंको, वो एक सीए की कोचिंग क्लास पे जाके गिरेगा। हाँ, धीरे धीरे मुलुंड भी वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकता, मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पे शांति से मैं, क्योंकि फॉर एवरी स्मॉल थिंग पीपल गो एंड कंपेयर। सर वीडियो बैकअप ठीक है, चल ले ले। सर लेकिन वो वाला क्लास वाला तो रोज शाम को दे रहा है, अब उसके लिए मुझे भी रोज शाम को बैठ के वीडियो का एडिटिंग करने का है सर। पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग, मैं इतना कंपेरिजन के अंदर जी नहीं सकता। आई कैन ऑफर वॉट आई हैव एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच अदर्स डोंट हैव, तो इसलिए मैंने उधर जाना ही बंद कर दिया। एंड ओवर द इयर्स आई हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सिटी, तो किधर और क्यों जाऊं। और जिसको उस एरिया से आना है वो मेरे साउथ बॉम्बे के बैचेस में आ जाते हैं, और जिसको नहीं जमता है वो ऑनलाइन आ जाते हैं। सो फैसिलिटीज आर प्लेंटी, आई डोंट नीड टू ट्रैवल आउट देयर। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव आप में से कोई भी वहां पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो रोड है ना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसका नाम खाली वेस्टर्न ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सप्रेस और हाईवे वाली कोई बात ही नहीं, उसका नाम होना चाहिए वेस्टर्न, कसम से। एक आदमी बाहर से घूमने आया, उसने बहुत सुना था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बारे में, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे देखने के लिए गया, और फिर उसने 4 घंटे तक देखा, क्योंकि उसकी गाड़ी उधर ही खड़ी थी, हिलती नहीं है गाड़ी उधर से। दैट इज वेस्टर्न एक्सप्रेस। तो ये रिलायंस अपने कॉल सेंटर को या थ्री मोबाइल अपने कॉल सेंटर को जो भी पैसा देता है, दे आर प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विसेज ना। फोन पे कैसे बात करने का, अगर कांदिवली में भी है, दे हैव टू टॉक इन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। हम लोग बोलते हैं हाई फ्रेंड हाउ आर यू, ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं हाई मेट हाउ आर यू, उनका लिंगो थोड़ा अलग होता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, दीज आर ह्यूमन सर्विसेज, और इसका पैसा देगा वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। बट ऑफकोर्स कांदिवली में कॉल सेंटर चलाने वाला रेजिडेंट है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। माई टारगेट वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एफटीएस। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एफटीएस? फाइनली रॉयल्टी एंड एफटीएस बोथ ऑफ देम विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ विद द अमेंडमेंट 20%। इज दैट क्लियर? लेकिन इसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स अभी पता होना चाहिए, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। टैक्स रेट इज ओवर, रॉयल्टी एंड एफटीएस जल्दी बोलो। रेसिडेंट को नॉर्मल रेट, नॉन रेसिडेंट को 20%, और ऑप्शन ऑफ गोइंग टू नॉर्मल रेट्स। चलिए 3 पॉइंट। पहला, एनी रॉयल्टी और एफटीएस विच इज अर्न्ड फ्रॉम एनटीआरओ, दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी एग्जेम्प्ट। एनी रॉयल्टी और एफटीएस दैट इज बीइंग अर्न्ड फ्रॉम एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है रे, इसको नॉन रेसिडेंट से टेक्निकल हेल्प चाहिए। दे नो दैट देयर इज नॉट इनफ नॉलेज इन इंडिया अबाउट एवरीथिंग। तो अगर गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या क्या इन्होंने एनटीआरओ के रॉयल्टी एफटीएस को एग्जेम्प्ट कर। सेकंड, ये सिर्फ आप यहां पे नहीं, एक और जगह पे लिखोगे। आप खुद ही बता देना कहां लिखोगे। इन इनकम्स के सामने चैप्टर 6 है, अलाउड है। तो वी कम बैक टू अवर स्पेशल पेज। नॉर्मली चैप्टर 6 से डिडक्शंस आर नॉट अलाउड अगेंस्ट एनी इनकम टैक्सेबल है स्पेशल रेट, एक्सेप्ट पहला एटीएलए फॉर आईएफएससी,
दूसरा ए रुक 115 ए मत लिख देना, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुमको क्या लगेगा डिविडेंड में से इंटरेस्ट में से सब में से मिलता। नहीं नहीं, सेकंड एक्सेप्शन में यू विल राइट रॉयल्टी एंड एफटीएस ऑफ 115 ए, मतलब डिविडेंड में से इंटरेस्ट में से नहीं मिलेगा, रॉयल्टी में से एफटीएस में से मिलेगा। नॉर्मली चैप्टर 6 इज नॉट अलाउड बट आईएफएससी विल गेट एटीएलए इवन इन न्यू रेजिम, एंड सेकंड अगेंस्ट रॉयल्टी एंड एफटीएस अंडर 115 ए यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो कहना इससे वो जो दो एक्सेप्शन लिखने के लिए हमको जगह छोड़नी थी अब हमने वो भी सॉर्ट कर लिया, इसके आगे जो भी स्पेशल नोट्स लिखेंगे वो उसके नीचे ही कंटिन्यू करने वाले। और तीसरा, देयर इज अ सेक्शन 44DA, कैन यू गेस द चैप्टर? पीजीबीपी, क्योंकि 28 पे पीजीबीपी चालू होता है और 45 पे कैपिटल गेन चालू होता है, तो इसके बीच का कुछ भी होगा तो वो पीजीबीपी में होगा। 44DA क्या बोलता है? अगर आप एक नॉन रेसिडेंट है, इज दिस सेक्शन ऑल्सो फॉर नॉन रेसिडेंट? तो कैन आई से 44DA एंड 115 आर बोथ टारगेटिंग? और अगर आपको इनकम हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी एंड एफटीएस, फर्स्ट टेल मी इस कॉम्बो नॉन रेसिडेंट एंड रॉयल्टी एफटीएस, नॉन रेसिडेंट रॉयल्टी एफटीएस, इसका अकॉर्डिंग टू 115A क्या टैक्स रेट रहता है? अभी 20 हो गया, बट वी आर ग्रांटिंग यू एन ऑप्शन। हेलो, हेलो, नाउ सॉर्टेड? हाँ, तो रॉयल्टी एंड एफटीएस के ऊपर वी आर गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन। और जब भी लाइफ में ऑप्शन होता है ऑब्वियसली वी विल चूज जहां पे ज्यादा टैक्स आता है देश का भला करने के लिए, पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग नहीं, ऑब्वियसली जहां पे कम टैक्स आता है। वॉट इज दैट ऑप्शन मित्रों? वी विल परमिट यू टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल रेट्स। मतलब अब तक क्या बोल रहा था, 20 20 20 20 कंपल्सरी, बट वी विल गिव यू दिस ऑप्शन ऑफ पेइंग एट नॉर्मल रेट। ऑब्वियसली अगर नॉर्मल रेट लगेगा, यू गॉट टू हैव द ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल रेट लगेगा तो फिर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस भी मिलेगा, फिर बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगा। चैप्टर 6 से बोलूंगा नहीं क्योंकि वो तो वैसे भी मिल रहा है, बट वी आर गोइंग टू गिव यू द ऑप्शन ऑफ पेइंग टैक्स एज पर नॉर्मल रेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो यू विल हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो यू विल हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो बिफोर आई टेल यू द कंडीशंस, फर्स्ट बी क्लियर, दोज हु डोंट फुलफिल कंडीशन उनको 115A के हिसाब से 20 भरना है, टॉपिक ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। दोज हु फुलफिल द कंडीशंस उनको दो ऑप्शन मिलेगा, क्या 115A के हिसाब से 20 भर दो या नॉर्मल भर दो। यू अंडरस्टूड व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट यू नीड टू हैव अ PE इन इंडिया। PE स्टैंड्स फॉर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। वैसे तो ये ट्रीटी बाय ट्रीटी डिफाइन किया जाता है, लेकिन द जनरल मीनिंग ऑफ पीई इज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आपका कोई तो ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, ऐसा कुछ तो इंडिया में होना चाहिए। यू नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये पहला कंडीशन टू गेट व्हाट ऑप्शन ऑफ 44DA। थैंक यू। सेकेंड, यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यू नीड टू मेंटेन मित्रों क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंडिया में जो आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे आपका क्या इनफ्लो आउटफ्लो है उसका रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस। और जिधर जिधर लाइफ में जिस जिस चैप्टर में यू कम अक्रॉस दिस कंडीशन दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उधर उधर उसके साथ चिपक के लाइक जय एंड वीरू फेविकॉल के जोड़ के जैसे बुक्स जिधर जिधर आया उधर एक कंडीशन एक्स्ट्रा हमेशा एड होगा, यू हैव टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। So any non-resident fulfilling three conditions, you have a fixed place of business profession in India. Supposingly intern Nachi ka nahi tha, to usko to 20 lagega 115A ka. You have a PE,
यू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड यू गेट देम ऑडिटेड. तो वी विल डिवाइड यू इन टू ऑप्शंस. यू कैन स्टिक टू 115A एंड पे एट 20. ऑल्टरनेटिवली यू कैन पे टैक्स एट नॉर्मल रेट. जब आप नॉर्मल रेट लेंगे तो कैन आई से वी विल ग्रांट यू डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. सुनो, दैट मीन्स द टू ऑप्शंस विल बी सेल्स का 20, ग्रॉस सेल्स का 20, रेवेन्यू का 20, या फिर प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल रेट्स. यू अंडरस्टैंड, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस देते ही वी आर टैक्सिंग योर प्रॉफिट्स. डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो 115A तो विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस 20 लेता है ना, ये नॉर्मल रेट ले रहा है ऑन योर प्रॉफिट. सो यू विल बी गेटिंग मित्रों डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस. वेरी रिजिडली दे से दिस, यहां पे जो एक्सपेंस का डिडक्शन होगा दैट विल बी ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड वेयर फॉर द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया. सिर्फ वही एक्सपेंस का डिडक्शन. देखो, आपका इंडिया में ऑफिस होएगा तो ही ये वाला ऑप्शन में आप जाते हो ना. तो जो इंडियन ऑफिस है उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, यू विल गेट डिडक्शन ओनली ऑफ दोज एक्सपेंस. यू नो व्हाई दे हैड टू ब्रिंग दिस कंडीशन, प्लीज अंडरस्टैंड. द हेड ऑफिस विल बी इनकरिंग सम एक्सपेंडिचर. आपको पता है हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर सब ब्रांचेस को अपोर्शन किया जाता है. दे विल पर्पसली अपोर्शन मोर एक्सपेंस हियर. यहां पे प्रॉफिट कम करना है, अपोर्शन लेस एक्सपेंस इन एनी अदर कंट्री जहां पे टैक्स कम लगता है. अपोर्शनमेंट ही तो करना, हम डिसाइड करते हैं. BOH अपॉन BLA, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, नहीं मशीन आवर मेथड, लेबर आवर मेथड, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, कॉस्टिंग निकालते सीए फाइनल में से. गधे लोग, क्या समझाऊं मैं अभी इनको, दैट व्हेनेवर यू इनकर एक्सपेंस एट हेड ऑफिस लेवल थोड़ा थोड़ा आप सबको अपोर्शन करते हो. बेसिकली कहना है दैट इज शेयर ऑफ HO एक्सपेंस. एक्सपेंसिस इनकर्ड बाई HO एंड यू हैव टू बेयर अ शेयर ऑफ इट. यहां पे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. यहां पे वही एक्सपेंस अलाउड है जो आपने इधर बैठे बैठे यहां के लिए इनकर किया, और वो एक्सपेंस का डिडक्शन लेने के बाद में यू कैन पे टैक्स एज पर नॉर्मल रेट. ऑल्टरनेटिवली डोंट टेक डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस एंड पे 115A 20. लेकिन ये दो ऑप्शन सिर्फ उनको ही मिलेगा, PE, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट. कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो क्या होगा, खाली वो बोलो 20%. ओनली वन ऑप्शन 115A. बट वेरी लॉजिकली वॉट हैपन समटाइम्स, देर इज सम एक्सपेंस जो यहां के पीई का होली एंड एक्सक्लूसिव एक्सपेंस है. यहां का रेंट भरना है लैंडलॉर्ड को. यू थिंक दिस विल फॉल इन दिस पीई का एक्सक्लूसिवली इनकर्ड रेंट, क्या ये इसमें आना चाहिए? पीई के पास पैसा ही नहीं है, गरीब, फंड अभी है नहीं, तो हेड ऑफिस बोलता है चिंता मत कर, लैंडलॉर्ड को अभी रेंट मैं देगा. इफ यू आर गिविंग द हेड ऑफिस दिस मनी बैक, is this apportionment of HO expense के wholly exclusively PE का है? ये कोई apportionment तो नहीं है. हम लोग क्या कर रहे हैं? Reimburse कर रहे हैं. किसको? क्या? The actual expense of PE. We are only doing actual expenses का reimbursement. So that will be allowed and logically. In short, can I say any expense wholly and exclusively incurred for the PE, directly by the PE or incurred by the HO and we have repaid it, that will be allowed. Lekin share of HO expenses will not be allowed. Jo allowed hai wo expense ka deduction leke normal rates bharo, ya fir mat lo aur directly gross revenue pe 20% pay karo. These are the two options subject to fulfillment of these three condition. So finally, a non-resident earning royalty and FTS in India, normally everyone has to pay 20% without deduction of expense. Lekin agar aapne teen condition fulfill kiya, PE in India, books of accounts audit, to wo 20 to hai, saath mein ek aur option milega, expense minus kar. Kaun sa? PE ka. Ya HO ne PE ka expense incur kiya, you repaid, not the apportioned expense. Minus karke jo profit hai, uspe normal rates. Is pe institute ne ek MCQ pucha, 2 mark ka. A and B are two foreign LLPs. A का
इंडिया में पीई बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट है, बी का नहीं है, तो बी को तो 115A के हिसाब से भरना पड़ेगा और ए को एक्सपेंस का डिडक्शन, उन्होंने दोनों का एक्सपेंसेस दिया है। ऑफ कोर्स कैन आई से वी विल इग्नोर बी का एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इग्नोर करके जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसके ऊपर अब तक 10 लगाते थे, अभी जो आपको नया बुक दूंगा उसमें 20 का कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। ये चेंजेस करना है, इसके लिए तो एमसीक्यू बुक नहीं दिया, नहीं तो कब का दे दिया होता। यू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस आई हैव टू डू? तो उस आंसर में अभी 10 प्रिंटेड है, आई हैव टू प्रिंट इट टू 20 एंड गिव इट टू यू, दैट इज बी का टैक्स। और फिर ए में एक्सपेंसेस माइनस किया, उस एक्सपेंस में बोला टोटल एक्सपेंस ऑफ पी गिव डिडक्शन, एक्सपेंस ऑफ एच ओ अपोर्शन डोंट गिव डिडक्शन, बट आउट ऑफ दीज एक्सपेंसिस सम अमाउंट वॉज पी का एक्सपेंस रीइंबर्स, तो दैट यू गिव डिडक्शन। वो डिडक्शन लेने के बाद में जो प्रॉफिट बचा उस पर टैक्स 30%, आपको वो भी पता होना चाहिए। नाउ टेल मी हाउ 30? एलएलपी ना, एलएलपी था, तुम गलती से फॉरेन कंपनी का 40 लगा दिया तो भी मरा। सो एलएलपी का रेट प्लस सेस, क्वेश्चन वॉज वॉट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मतलब आपको पूरा ये कैलकुलेशन करके दोनों की टैक्स लायबिलिटी जिसमें मैच हो रही है वो वाला आंसर देना है। इसमें अगर कोई बच्चे स्मार्ट प्ले करे ना, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, गधे के जैसा काम करना इज इंपॉर्टेंट, वो आप ऑफिस में करते भी हो, स्मार्ट वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बी का कैलकुलेशन वॉज इजी, डायरेक्टली ग्रॉस अमाउंट के ऊपर हमको रेट लगाना था, बी का टैक्स मिला, जो बी का टैक्स है वो 4 में से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, टैक्स ऑफ ए, टैक्स ऑफ बी, टैक्स ऑफ ए, टैक्स ऑफ बी, ऐसा 4 ऑप्शन दिया। बी का जो आंसर है वो ऑप्शन सी था, तो ए का करने में टाइम पास काई को करते हो? यू अंडरस्टैंड एमसीक्यू में यू डोंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन और यू डोंट हैव टू गिव सॉल्यूशन, नो, ओएमआर बेस्ड चेकिंग है। अगर स्मार्ट खेला तो यू कैन डू दैट। हाँ, लेकिन बी के कैलकुलेशन में तुम एचईसी भूल गया और उसके हिसाब से कोई दूसरा ऑप्शन है वो वाला लिख दिया तो पूरा मरेगा। ए कैन वर्क एज इंटरनल चेक फॉर यू, अपने आप चेक होने के लिए, दैट अल्टीमेटली वॉट इज योर स्मार्टनेस ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स डिटरमाइंस वॉट यू आर गोइंग टू स्कोर। हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि सिर्फ हमारे क्लास के क्वेश्चन नहीं, कुछ भी, यू हैव टू गो एंड टेल, ब्रिंग इट ऑन बेबी, तू क्या कितना डिफिकल्ट कर सकते हो करके दिखाओ, वैसा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके जाएंगे एंड वी विल वर्क फॉर द बेस्ट वी कैन। अंडरस्टूड रॉयल्टी एफटीएस का पूरा टैक्स ट्रीटमेंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स, इस पूरी स्टोरी में अगर रेसिडेंट को हुआ तो भूलना नहीं, नॉर्मल करेक्ट है। अब एक मस्त बात बोलू, फाइनली चैप्टर खत्म, हाश नाश, क्या खत्म? 115A फाइनली खत्म, बट दिस इज द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर अभी भी उसी प्रोसेस में कंटिन्यू, क्या सेक्शन असेसी इनकम रेट, अगला सेक्शन आएगा, एक असेसी दिया एक इनकम दिया है उसका रेट, कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट कंपलसरी, कॉम्बो हुआ तो स्पेशल रेट कंपलसरी। Do not try to find any connection between 115A and the next section. Milega bhi nahi. They are all independent combos, a part of chapter 12, unrelated with each other. Aur abhi ke jo sections hai, wo to itne mast hai. Can you see one frame of the titling tab? Ye ek frame hai na. Dekho, 115A agar main kisi ko bolu, le copy kar. Wo itna likhega, phir itna likhega, phir itna likhega. मोस्ट ऑफ दी सेक्शंस ऑफ दी चैप्टर वो इतने में ही आ जाएंगे, इतने में पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, द साइज इज दिस मच ओनली। वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन 115AB। बस आपको खाली प्रोसेस पता होनी चाहिए, सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट, समझा क्या? सेक्शन लिखा तो गेस नेक्स्ट थिंग असेसी, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन OFO, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन OFO, अरे UFO नहीं रहे, कोई मिल गया OFO, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, विच आर ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम कॉल्ड ऑफशोर funds, overseas financial organization also known as offshore funds, also known as AKA, कभी देखा ये short form?
AKA also known as, अक्का नहीं होता है वो, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल्सो नोन एज. हाँ, जैसे ऋतिक रोशन इज डुग्गू एंड विराट कोहली इज चीकू, वैसे ही ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो ऑफशोर फंड्स. इनकी दो इनकम दी है, फर्स्ट इनकम सेकेंड इनकम, दोनों का रेट भी दिया है. मैं क्या बोल रहा हूं, सपोजिंगली आई टेल यू द टू इनकम, यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये दोनों इनकम क्या है. इनकम को तो एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं, अगर ये दोनों इनकम हुआ है तो 10%. एंड यू कैन ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओएफओ को अगर ये दोनों इनकम हुआ है तो 10%, कोई और इनकम हुआ है तो नॉर्मल रेट, और किसी और एसएससी को ये दोनों इनकम हुआ है तो भी नॉर्मल रेट. मींस कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मल रेट कंपलसरी, कॉम्बो टेक्स प्लेस तो 10% कंपलसरी. माय पॉइंट इज दैट विदाउट नोइंग व्हाट इज ओएफओ यू कैन स्कोर मार्क्स इन एग्जाम इफ यू नो कि टैक्स रेट 10% लगता है. ऑल थ्रू आउट यू हैव टू अंडरस्टैंड के एग्जाम और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है. यू अंडरस्टैंड ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग नहीं भी बताया तो चलेगा नहीं, आपको चलता होगा, मेरे को नहीं चलेगा. सो आवर फर्स्ट टारगेट और फोकस इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओएफओ. ये ओएफओ क्या होता है, ओके? इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इंडियन मार्केट्स में, एट टुडे फॉरेन इन्वेस्टर्स प्ले द बिगेस्ट रोल इन इंडियन मार्केट्स. आज मार्केट विल बी अप और डाउन, फॉरेन इन्वेस्टर्स विल डिसाइड दैट. एट द एंड ऑफ एवरी डे स्टॉक मार्केट रिपोर्टिंग करता है आज एफआईआईज ने इतना खरीदा और इतना बेचा. वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उनसे पूरा लड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का अप और डाउन का फ्लक्चुएशन इज डिसाइडेड बाय एफआईआईज. सो दीज आर पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विद देयर मनी हु आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द इंडियन मार्केट्स. ये दो टाइप के होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर. इंडिया में दो टाइप के होते हैं, वन देयर इज समथिंग कॉल्ड ओएफओ, टू देयर इज समथिंग कॉल्ड एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ओएफओ एंड एफआईआई. मतलब वन थिंग वी अंडरस्टैंड के ओएफओज आर फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर से इंडिया के मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए, एंड सो आर एफआईआईज. मतलब हमारा टारगेट क्या है, लर्निंग द मीनिंग ऑफ ओएफओ, लेकिन ओएफओ के साथ एफआईआई मुफ दे आर बोथ फॉरेन इन्वेस्टर्स. और जब भी इंडियन मार्केट्स में अगर किसी को इन्वेस्ट करने का मन होता है तो पहले आपको इस मार्केट के परम देवता को जाके चरण स्पर्श करना होगा. In India, the माई बाप ऑफ स्टॉक मार्केट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड. तो आपको सबसे पहले जब आप इंडिया में पहला कदम रखता है तो सबसे पहले आपको जाके सेबी का अप्रूवल लेना. मीन्स अंडरस्टैंड कीजिए कि यू हैव कम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट. बस इंडिया की भूमि पे आपने पैर रखा, चावल के लोटे को लात मारा, कंकू में थाली गीला पैर गीला करके आपने अंदर एक एक पैर अंदर रखा, बैकग्राउंड में मस्त म्यूजिक बज रहा है, आपको सबसे पहले सेबी का अप्रूवल. मींस व्हाट आर द टू कॉमन थिंग्स इन ओएफओस एंड एफआईआईज, बोथ आर फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड बोथ नीड टू टेक सेबी अप्रूवल. ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गए. मीनिंग सीखना है ओएफओ का, साथ में एफआईआई भी हो जाएगा. आगे काम आने वाला है इसी चैप्टर में, वेरी सुन. एक बार एफआईआई ने सेबी का अप्रूवल ले लिया, एफआईआईज कैन गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द मार्केट. ये खुला सांड है. इंडिया में आया, सेबी अप्रूवल लिया, अब जा मार्केट में, इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, तेरी जो मर्जी है तू खरीद. यू आर खुला सांड. You can invest in any type of security in India once you have taken SEBI approval. On the other hand, OFO, which is our current target, FII, तो बाद में आने वाला है इस चैप्टर में. OFO को इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो they have to invest by taking the mutual fund वाला रूट. मतलब OFO खुद इक्विटी शेयर्स नहीं खरीद सकता है. They can provide funding to a mutual fund. They will deposit all their monies with mutual fund. अब जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा है वो आगे क्या करता होता है सबको ही पता है. म्यूचुअल फंड आगे जाके मार्केट में इन्वेस्ट करेगा. मतलब एफआईआई डायरेक्टली कंपनीज के पास जाएंगे, बट
OFOs have to invest in mutual fund and mutual fund will further invest in the market. So, what are the two common things in FII and OFO? SEBI approval, foreign investor. Foreign investor, SEBI approval. Foreign investor, SEBI approval. But what is different? FII can buy anything, OFO will buy mutual fund units. और अगर मैं फोकस करूं सिर्फ OFO के ऊपर, बिकॉज FII विल कम अगेन इन द चैप्टर, तब मुझे सिर्फ इतना बोलना रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर सेबी अप्रूवल और जो खरीदना है खरीद ले। लेकिन फिलहाल हम OFO की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर सेबी अप्रूवल, लेकिन म्यूचुअल फंड का यूनिट्स लेना पड़ेगा। दैट मींस व्हाट इज द एसेट दैट OFOs आर होल्डिंग इन इंडिया प्रीडोमिनेंटली मेजरली, इनके पास क्या रहेगा? यूनिट। वहीं से इनको मिलेगा समथिंग कॉल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। दे विल बी गेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। यू हैव माई परमिशन, यू कैन राइट डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऑल्सो, क्योंकि यूनिट होल्डर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, जैसे कंपनी में शेयर होल्डर को मिलता है, यूनिट होल्डर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, दैट इज नथिंग बट मित्रों डिविडेंड ओनली नो एंड सेकेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द अबव। अरे भाई ये जो यूनिट खरीदा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो लाइफ में ट्रांसफर करेगा, तो विल देयर बी कैपिटल गेन्स? कैपिटल गेन्स कैन बी लॉन्ग टर्म। व्हेन विल दिस कैपिटल गेन्स बिकम लॉन्ग टर्म? इफ द यूनिट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। एंड व्हेन विल यूनिट बिकम लॉन्ग टर्म एसेट? ये तो सभी लिस्टेड है, तो क्या लगाओगे? पोपट यूनिट्स में लिस्टेड अनलिस्टेड इररिलेवेंट, सभी लिस्टेड ही होते हैं, सेबी अनलिस्टेड अलाउ ही नहीं करेगा। जल्दी बोलो क्या चेक करोगे? इक्विटी यूनिट्स हुआ तो 12 और अदर हुआ तो 36। तुमको ऐसे बोलेगा ना, व्हेन डज एसेट बिकम लॉन्ग टर्म एसेट? 36 मंथ। 12 वाला बोल करके 3 पॉइंट वॉमिट करेगा, 24 वाला बोल करके वापस वॉमिट। इट डज नॉट हेल्प दैट वे। हाउ यू नीड टू लर्न व्हाट इज योर अप्रोच। अगर मैं आपको क्वेश्चन बना के पूछूं, और ये तो मैंने आपसे पीरियड मांगा, लिस्टेड यूनिट्स बताओ कि अनलिस्टेड यूनिट्स बताओ, आपको बोलने का लिस्टेड अनलिस्टेड डजंट मैटर, यू हैव टू सी इक्विटी एंड अदर्स। आपका एग्जाम क्वेश्चन ना आपसे पीरियड नहीं मांगेगा, ऐसा नहीं बोलेगा इक्विटी का 12 है कि 24 बता, आपको परचेस डेट और सेल डेट देगा। यू हैव टू पहले सी के एक्चुअल पीरियड क्या है, देन यू हैव टू सी के वो क्राइटेरिया में बैठता है क्या नहीं, उसके लिए पता होना चाहिए क्राइटेरिया इज 12, 24 के 36। एग्जाम विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। लॉ यही है, लेकिन आपको इस लॉ को अप्लाई करना आना चाहिए। तो कहना इसे इक्विटी हुआ तो आफ्टर 12 मंथ्स एंड अदर्स हुआ तो आफ्टर 24 मंथ्स यू विल बी अर्निंग विच इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बोथ ऑफ देम विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 10%। मतलब जो इनको रिकरिंग रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आ रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 10%। एंड देयर आफ्टर इफ दे आर अर्निंग, मित्रों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कभी भी ट्रांसफर किया तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी 10%। Is that clear? Section is not completely over, but almost over. When we started the chapter, special rates of tax heading diya tha, there was one thing that you knew about the chapter. Kya? Iske upar, which is clearly reflected also in the concessional rate of tax that we are giving. LTCG को ब्रो कितना लगाया? मतलब कंसेशनल रेट दिया ना, तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में LTCG को 10 दिया एंड ऑफकोर्स 10 देते ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट, बराबर है? इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115AB में जो लिखा है वो खत्म, सेक्शन इज ओवर। लेकिन सुनो, माई एक्सप्लेनेशन इज नॉट ओवर एंड योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो इज नॉट ओवर। अगर इसके अलावा कोई और इनकम हुआ तो यू आर राइट इन सेइंग दैट। सो OFOs विल हैव म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उसका रेवेन्यू इनकम का रेट ऑफ टैक्स 10%, उसको बेचा और कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। क्या ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है? अरे कल यूनिट लिया आज बेच दिया, पॉसिबल नो? तो उसके ऊपर हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। एंड आफ्टर लर्निंग एनआरआई टैक्सेशन दिस इज नॉट डिफिकल्ट। सुनो समझो,
एनआरआई के चैप्टर में क्या बोला, दो इनकम के लिए स्पेशल रेट, एंड डिड वी अगेन एंड अगेन से दैट एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म विल गो इन नॉर्मल बिकॉज द स्पेशल रेट इज प्रेस्क्राइब्ड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल ऑलवेज गो इन नॉर्मल। ये लॉ में लिखा नहीं है, लॉ ने खाली इतना बोला है क्या लॉन्ग टर्म 10%। आपको समझना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म 10 है मतलब शॉर्ट टर्म इधर कवर्ड नहीं है, लॉन्ग टर्म 10% शॉर्ट टर्म विल गो इन नॉर्मल। अब आप बोलेगा नॉर्मल क्या, मैं बताता हूं क्या, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हुआ तो 111 मिल जाए और कोई और हुआ तो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स में जाएगा। यू अंडरस्टैंड नॉर्मल का मतलब चैप्टर 12 में इसके अलावा दूसरा कुछ भी दिया, इनकम टैक्स में इस सेक्शन के अलावा कुछ भी दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? खत्म। डिडंट आई टेल यू एक ही फ्रेम में आ जाएगा पूरा सेक्शन? अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है सर 115 है, आपने कल चालू किया, कल 40 मिनट डिस्कस किया, आज ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा डिस्कस किया और आपने 115 ए भी 5 मिनट में खत्म कर दिया, इसको बुरा नहीं लगेगा क्या? इसका कोई फीलिंग्स नहीं है, नहीं लगेगा। जो सेक्शन इतना ही है वो इतना ही रहेगा, एवरी सेक्शन इज नॉट ऑफ द सेम साइज। शैल वी गो अहेड? कनेक्शन ढूंढने का कोशिश मत करना, मिलेगा भी नहीं। 115 ए से आपका फेवरेट चीज, आपका आधा टाइम तो क्लास में स्टार्टिंग में दो एसी चालू रखते हैं, थोड़ी देर के बाद ठंडी लगती है तो एक बंद करते हैं, फिर बाद में एकदम ज्यादा गर्मी हो जाता है तो पंखा चालू करते हैं, फिर पंखे से भी गर्मी लगता है तो पंखा बंद करके एसी चालू करते हैं, फिर वापस ऐसा लगता है और गर्मी हो रहा है तो बाकी के दो एसी हमने लगवाए तो चार है, आपको परमिशन है चारों चालू करो, लेकिन आपका आधा टाइम उसमें रहता है कि उसके ऊपर फोकस जितना है ना बस उतना डायरेक्ट टैक्स में भी फोकस करो तो एग्जेम्पशन आ जाए। तो ये वो एसी नहीं है, दिस इज सेक्शन 115 एसी। अच्छा खाली इतना तो बता दो सेक्शन के बाद, अच्छा सी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन द चैप्टर द एसी इज अ, आप देखिए पहले सेक्शन 115 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन रेसिडेंट था, दूसरा सेक्शन ओएफओ हैज टू बी एनआर एंड अगेन दिस इज नॉन रेसिडेंट। जब जब आप नॉन रेसिडेंट का कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, अगर सेक्शन नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर द स्टैंप ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, दिस इज इंटरनेशनल टैक्स। वी मे बी लर्निंग इन एनी चैप्टर ब्रेकअप, अवर ब्रेकअप इज बाय द वे मोर लॉजिकल देन आईसीए, वी आर लर्निंग और रिलेटेड सेक्शंस एट वन प्लेस। हम प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन पीजीबीपी में ही करेंगे और नॉन रेसिडेंट का टीडीएस टीडीएस में ही करेंगे, बट उन्होंने सब कुछ एक जगह पे रखा है एनआर टैक्स। सो नॉन रेसिडेंट इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट हम करेंगे सब कुछ, लेकिन ब्रेकअप ऑफ चैप्टर से डिफरेंट। अब बस ऐसी हो गया तो आगे क्या करूं आप ही बता दो। इनकम, फर्स्ट इनकम, तीन इनकम दिया एक एक करके, फर्स्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स, द नेम इज बॉन्ड। अक्ल है आपको? अगर बॉन्ड आपका इन्वेस्टमेंट है तो इनकम जो आएगा वो क्या रहेगा? तो इतना तो वी ऑल अंडरस्टैंड सर, अगर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किया है तो इनकम तो इंटरेस्ट रहेगा। That means, can I say non-resident is earning interest in India? कितना confusion है sir. 115A में भी बोला non-resident interest, लेकिन that was interest from foreign currency loan. और उसके exceptions में एक rupee denominated bonds था, that will get covered in 5%. वो भी जून तक था, जुलाई से नहीं। और IFSC है तो 4%, 9% वो सब। Okay? यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? कि आपको जाके देखना पड़ेगा कि government ने एक notification दिया होगा। You know? गवर्नमेंट हैज टू गिव एनी अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन तो कहां देती है, इतना हमको जनरल नॉलेज होना चाहिए इवन इफ यू आर नॉट परसुइंग सीए। वेयर डज गवर्नमेंट गिव्स ऑल इट्स नोटिफिकेशंस एंड अनाउंसमेंट्स? इन द गजेट, ऑफिशियल गजेट। गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया, बस खाली ये एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में उस कंपनी का नाम लिखा जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है। यू अंडरस्टैंड, आई एम नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, मैं एक कंपनी को जाके पैसा देता हूं और कंपनी बदले में मेरे को बॉन्ड्स अलॉट करती है। तो जिस कंपनी को पैसा मिल रहा है बाय इशूइंग बॉन्ड्स, इट इज पॉसिबल दैट द कंपनी इज नोटिफाइड और इट इज पॉसिबल दैट द बॉन्ड्स आर नोटिफाइड। कंपनी इज नॉट नोटिफाइड बट ये प्रेजेंट इशू जो है ये वाले बॉन्ड्स नोटिफाइड। यू अंडरस्टूड? अगर बॉन्ड्स को नोटिफाई किया है तो आगे एक और कंडीशन है, इट हैज टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी।
it has to be a public sector. You all know the difference between public company and public sector company? Sir, public public same. Public company, public sector company का difference मालूम है? जितना मालूम है बोलना. बस उतना ही बोलना था. गवर्नमेंट के ओन किए हुए सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, जहां जहां गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हो. अगर बॉन्ड्स नोटिफाई किया है तो ओनली गवर्नमेंट कंपनीज विल बी कवर्ड. लेकिन अगर कंपनी को नोटिफाई किया तो आगे कोई कंडीशन नहीं है, दे कैन बी एनी बॉन्ड्स. सो आपको गजेट में जाके क्या चेक करना है, वेदर द कंपनी इज नोटिफाइड और द बॉन्ड्स आर नोटिफाइड. कंपनी नोटिफाइड तो नो फर्दर कंडीशन, बॉन्ड्स नोटिफाइड तो पब्लिक सेक्टर कंपनी इस इंटरेस्ट के ऊपर 10% लगेगा. रेट ऑफ टैक्स ऑन दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 10%. अभी मैं आपको सेक्शन 115 एसी में जो लिखा है ना वो सुनाने वाला हूं. सी इफ यू अंडरस्टैंड, सी इफ यू विल ट्राई एंड गो एंड रीड द सेक्शन 115 एसी, तो लाइफ में कितना ट्रबल आएगा. और बाद में ये चार्ट के साथ में कंपेयर करना तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा. 115 एसी बोलता है इनकम फ्रॉम नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और बॉन्ड्स ऑफ अ नोटिफाइड इंडियन कंपनी. इनकम फ्रॉम नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और बॉन्ड्स ऑफ अ नोटिफाइड इंडियन कंपनी. मतलब अगर नोटिफाइड बॉन्ड्स है तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, और बॉन्ड्स ऑफ अ नोटिफाइड इंडियन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी नोटिफाइड है तो बॉन्ड कोई भी हो सकता है, विच इज वाई वी हैव सेग्रीगेटेड द टू. और आपको खाली इतना देखना है कौन नोटिफाई हुआ है, जो कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया वो क्या, जो बॉन्ड में ले रहा हूं वो. बिना देखे बोलो, अगर बॉन्ड नोटिफाई हुआ तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर कंपनी नोटिफाई हुआ तो एनी बॉन्ड, देन आई विल गेट द प्रिविलेज ऑफ 10%. सेंटेंस वापस बोलू, इनकम फ्रॉम नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ अ यू से इट पब्लिक सेक्टर और बॉन्ड्स ऑफ एनी नोटिफाइड इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्स्ड एट 10%. सर अभी हमको कंफ्यूजन है, इंटरेस्ट में कभी 20 लगता है, कभी 5 लगता है, कभी 4 लगता है, कभी 10 लगता है, और कोई कोई केस में एग्जेम्प्ट भी होता है. 20, 10, 5, 4 एग्जेम्प्ट, 9 भी आ गया आईएफएससी वाला. ठीक है, 20, 10, 9, 5, 4 एग्जेम्प्ट. सर कभी क्या लगेगा, मैं क्या बोलता हूं, स्मार्ट बनो. 20, 10, 9, 5, 4 एग्जेम्प्ट में एज अ टैक्स पेयर आपका चॉइस क्या है, सबसे पहला एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट तो दोज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स 17 सितंबर 18 31 मार्च 19 के बीच में इशू किए, या आईएफएससी के ऊपर 1 सितंबर 19 और 31 मार्च 20 के बीच में, तो एग्जेम्प्ट. अगर इसमें से कोई भी नहीं हो गए तो सॉरी, टेल मी योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन 4, दैट इज आईएफएससी फ्रॉम 1st अप्रैल 20 टू 30th जून 23. तो ही आईएफएससी के बाहर 4 है ही नहीं कहीं. नेक्स्ट इज 5. फाइव में तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड भी है फाइव में आपके, वो जो भी जून तक तो है जुलाई से निकल रहे हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जून तक. समझ लो तुम फाइव से भी निकल गए, व्हाट इज योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन 9%. तो उसके लिए अगेन आईएफएससी होना चाहिए, आईएफएससी नहीं हुआ तो वो भी नहीं मिलेगा. जिधर भी तुमको बेनिफिट मिलता है उधर ले लो, नहीं मिलता है तो आगे चलते रहो. नेक्स्ट ऑप्शन 10, उसके लिए या तो बॉन्ड्स नोटिफाई हो या कंपनी, बॉन्ड्स नोटिफाई हुआ तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, कंपनी नोटिफाई हुआ तो एनी बॉन्ड्स, तो 10 ले लो. और वो भी नहीं हुआ है तो 20 तो एवरग्रीन है, वो तो अवेलेबल रहने ही वाला. फॉर गेटिंग दिस प्रिविलेज इट हैज टू बी वन ऑफ द टू बीइंग नोटिफाइड एंड बॉन्ड्स बीइंग नोटिफाइड विद एन एडिशनल कंडीशन ऑफ इट बीइंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. यू कैन गो बाय दैट क्रोनोलॉजी एज पर प्रेफरेंस. एवरी केस इज कंडीशन स्पेसिफिक. If condition not fulfilled, you move ahead. Clear hai? Second income. Any income that you earn from ADR, GDR. 10%. Now, what is ADR? American Depository Receipts. What is GDR? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट. सुनो, वॉट इज द फुल फॉर्म नहीं पूछा था, फॉर दोस विथ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट गिविंग द फुल फॉर्म, मीनिंग पूछा था. सर हमको दो ही चीज पता है, एक तो इसका फुल फॉर्म और दूसरा सी ए इंटर की एफ एम थियरी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस में एडीआर जीडीआर था, हाउ टू रेज फाइनेंस
एडीआर जीडीआर, उसके अलावा कुछ मालूम है? देख देख बेटा घनश्याम, मैं खाली मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम बताता हूँ तेरे को। आई हैव बीन मैरिड फॉर 9, आई विल कंप्लीट 9 ईयर्स इन डिसम्बर। वैसे आज मेरी एक और एनिवर्सरी है, आज 19 जुलाई है, तो आज सीए बनने की एनिवर्सरी है आज। एंड दिस एनिवर्सरी इज फार इम्पोर्टेंट देन दैट डिसम्बर वाली एनिवर्सरी। तो आज 12 साल हो गया सीए बनके, और अगस्त में तो पढ़ाते पढ़ाते 13 साल हो ही जाएगा। तो पिछले 9 साल से मेरे लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है कि कोई मेरे से अगर सॉफ्टली बात करता है मुझे सुनाई नहीं देता, मेरे कान खराब हो चुके। आई एम यूज टू लाउड वॉल्यूम्स, सो टॉक इन अ वॉल्यूम विच आई अंडरस्टैंड। ऑफकोर्स तू आधी नींद में बोल रहा है इसके लिए नहीं, तो जोर से बोल क्या है एडीआर जीडीआर, जोर से बोल। मैं आप जो टोटल बोले उसमें से 5 या 10% समझा, लेकिन मैं इतना समझा कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडीआर जीडीआर, और यहां पे जो एडीआर जीडीआर है आपने उसका ऑपोजिट बोला एकदम। आपने वो बोला जो फॉरेनर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, नहीं आपने ये बोला इंडियन को फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, और यहां पे थोड़ा सा उल्टा है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन रेसिडेंट कमिंग एंड इन्वेस्टिंग हियर, दोनों की डिफरेंस समझो। आपने कौन सा वाला केस बताया? इंडियन को बाहर इन्वेस्ट करना है तो बाहर वो एडीआर जीडीआर ले सकता है, लेकिन वी आर करंटली टॉकिंग अबाउट अ नॉन रेसिडेंट एसएससी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो इंडियन फॉरेन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट नॉर्मल रेट्स में जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रेसिडेंट कमिंग एंड इन्वेस्टिंग हियर। नाउ अंडरस्टैंड, एक नॉन रेसिडेंट ने अक्वायर किया है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, एडीआर जीडीआर सेबी के रेगुलेशन में आपको डेफिनेशन और कंडीशन जाके चेक करना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द टैक्स प्रोविजन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, you have acquired securities of an Indian company, shares, debentures, it can be anything, which are listed in India. मतलब कहना इसे ये shares के, ये debentures के, ये preference shares के आप India में trading कर सकते हो, BSE, NSE, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. But problem ये है कि ये तो non-resident है, इनको trading करना है in New York Stock Exchange, in London Stock Exchange, and the problem is in one line. इंडिया में लिस्ट किए हुए सिक्योरिटीज का न्यूयॉर्क या लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं हो सकता, वहां पे ये लिस्टेड ही नहीं है, करेक्ट और नो? लेकिन ये तो बोलता है मैं तो थोड़े टाइम में चले जाएगा, व्हाई डू आई से सो? नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया में किधर बैठा रहेगा ट्रेडिंग करने के? अच्छा आप अच्छी जनरेशन में पैदा हुए, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे भी होता है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैं किधर इंडिया में रहूंगा, मेरे को जाना है और मेरे को ट्रेडिंग भी बाहर करना है, लेकिन मेरा पैसा तो सब खत्म हो गया है, मैंने पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब इसका ट्रेडिंग खाली इंडिया में होता है और बाहर ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ओवरसीज डीपी। दीपिका जी नहीं रहे, डीपी इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये एक बैंक है, बैंक के पास पैसा होता है, वो आपको लोन देता है, और उस लोन पे आप बैंक को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, दैट इज इनकम फॉर द बैंक, उसका बिजनेस ही वही है। दिस इज अ सिक्योरिटीज बैंक, इसके पास ऐसे ही होलसेल में सिक्योरिटीज पड़ी रहती है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये आपको ऐसी सिक्योरिटीज देगा जो अमेरिका के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप इनकी बाइंग सेलिंग कर सकते हो, सच सिक्योरिटीज विल बी कॉल्ड एडीआर। और अगर आपको दुनिया के किसी स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग करना है तो ये आपको देगा जीडीआर, जहां पे फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है। दैट मींस कैन आई से द बैंक इज गिविंग यू लोन नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स बट इन सिक्योरिटीज। एक दिन तुम्हारा पेट भर जाएगा ना ट्रेडिंग करके, तो जितना एडीआर जीडीआर मैंने तुमको दिया है उतना तुम वापस देके जाना, लोन भी हम वैसे ही देते हैं। वन डे वी विल रिटर्न, एंड वेन वी विल रिटर्न ऑब्वियसली वी विल रिटर्न विथ चार्जेस। क्या बैंक से जो लोन लेते हैं उतना ही वापस देते हैं? एक्स्ट्रा देते हैं ना, बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है वो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्जेस है। मतलब सुन, आज ये आपको क्या दे रहा है?
सिक्योरिटीज दे रहा है, समझ लो उसने आपको 100 एडीआर दिया, एक साल बाद आप 100 एडीआर वापस करो और एक साल का चार्जेस। अंडरस्टूड? टिल दैट टाइम यू कैन डू ट्रेडिंग। डाउन गया आपने और खरीद लिया, थोड़ा अप गया आपने बेच दिया, अब जाके बेचा वापस डाउन आया और खरीद लिया, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, जितना उसका था वापस दे दे, बाकी का तेरा प्रॉफिट। समझ ले बहुत ज्यादा ही रेट टूट गया, देन ऑल्सो यू हैव टू बाई दैट मच क्वांटिटी एंड गिव हिम बैक, और चार्जेस तो आपके और लगेंगे। बट देन भरोसा क्या है, एक दिन भाग जाएगा तो? द ओवरसीज बैंक हैज गिवन यू सिक्योरिटीज, तुमको रिटर्न करना है ना, भाग गया तो बैंक को भी लोन देने के टाइम पे रिस्क रहता है ना, तो बैंक टेक्स सम सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम यू। गैस करो हमको इसके पास क्या जमा करवाना होगा, वी हैव टू डिपॉजिट अवर इंडियन सिक्योरिटीज। ये एक बैंक है, ये एक बोरोवर है, ये एक बैंक है और ये वो एसेट है जो आप कोलैटरल में सिक्योरिटी में जमा करवा दे। तो ये जो इसको मिला, कैन आई अंडरस्टैंड, ये बैंक लोन है और जो बैंक को इंटरेस्ट जाता है वो इसको चार्जेस जाता है। सो द होल प्रोसेस इज लाइक दिस, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एसेट विच द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर इज होल्डिंग, इंडियन कंपनी का सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटी जाके आप डिपॉजिट कर दो किसके पास, डीपी के पास, बदले में डीपी विल गिव यू एडीआर जी लिया, ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, वन डे रिटर्न द एडीआर जी लिया, साथ में उसके चार्जेस भी दो। और जब आप ये एडीआर जीडीआर वापस करोगे, नाउ थिंक अबाउट इट एज अ बैंक लोन, अगर आपने बैंक लोन विद इंटरेस्ट रिपे किया तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी में एसेट दिया है, जो मॉर्गेज में आपने ज्वेलरी दिया है, विल द बैंक हैव टू रिटर्न दैट? यस। तो यहां पे जो इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज है, क्या वो बैंक आपको वापस देगा? मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके अपनी इंडियन सिक्योरिटीज दो, बदले में एडीआर जीडीआर लो, ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो, वन डे रिटर्न द एडीआर जीडीआर विद चार्जेस एंड टेक योर इंडियन सिक्योरिटीज बैक। This will facilitate investors of India to do trading in the world market. Or should I say investors of the whole world to do trading in the whole world? Trading ka facilitation ho raha. Kyunki you may have securities which are listed at one place, but you may want to do trading at another place. Toh ye exchange mein aapko milega. Ab is puri story ka main part aayega ke during the intervening period, kaun sa period? जब आपने अपनी सिक्योरिटीज देके एडीआर बोरो किया हुआ है, विल दीज इंडियन सिक्योरिटीज जनरेट एनी इनकम? अगर ये डिबेंचर्स है तो इनका तो टाइम होते ही इंटरेस्ट आएगा, शेयर्स है तो जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा तब आएगा, रोज नहीं आएगा लेकिन कभी तो आएगा। विल देयर बी इनकम्स दैट विल बी पेड फ्रॉम दीज सिक्योरिटीज? बोलो येस और नो। ये सिक्योरिटीज किसके पोजेशन में? डीपी के पास है तो उसको देगी कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कम्स हियर, ये पैसा कंपनी अपने पास रख नहीं सकती, ये पैसा ओवरसीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने पास रख नहीं सकता है, उसको ये इनकम इस एनआर को देना होगा। बिकॉज डोंट फॉरगेट हु इज द ओनर ऑफ दिस सिक्योरिटीज, एनआर। तो ये डीपी के पास क्यों पड़ा है? क्योंकि उसने मुझे लोन में सिक्योरिटीज दिया एडीआर जी दिया, और क्या उसका चार्जेस लेने वाला है? ये सिक्योरिटीज मेरी है, नथिंग अबाउट इट। एक बार के लिए इसको छोड़ो, बैंक लोन के बारे में, मैं बोरोवर आप बैंक, आपके पास मैंने अपना प्रॉपर्टी डिपॉजिट किया सो दैट यू गिव मी अ लोन। ऑफ कोर्स इफ आई डोंट रिपे द लोन यू कैन टेक अवे माय प्रॉपर्टी, लेकिन इफ आई रिपे द लोन विथ योर इंटरेस्ट विल यू रिटर्न माई प्रॉपर्टी? यूर दैट प्रॉपर्टी इज लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इंडिया। सुनो मेरा अगला क्वेश्चन, इस पीरियड के बीच में अगर मेरी प्रॉपर्टी में से कोई रेंट जनरेट होता है तो वो आप नहीं रख सकते हो, आपको जो लोन दिया है उसके चार्जेस मैं दे रहा हूं ना, तो बीच में जो रेंट आया वो मेरा रहेगा। इस पीरियड में अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिसिएशन होता है वो आप नहीं रख सकते हो, आपका इनकम जो चार्जेस मैं दे रहा हूं, मैंने अगर नहीं दिया यू कैन कीप माई प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैंने दिया है तो मेरी प्रॉपर्टी विथ इट्स इनकम एंड विथ इट्स वैल्यू अप्रिसिएशन एवरीथिंग विल अक्रू टू मी ओनली, योर चार्जेस आर सेपरेटली बीइंग पेड। ये है वो इनकम जो आपको आपको दिखेगा कि एडीआर जीडीआर में से आ रही है, बिकॉज करंटली व्हाट इज दिस पर्सन होल्डिंग एडीआर जीडीआर, लेकिन दी ओरिजिनल एसेट दी अंडरलाइंग एसेट विच ट्रिगर्ड दिस एडीआर जीडीआर वो क्या था? सिक्योरिटीज इन एन इंडियन कंपनी, और क्योंकि सोर्स इंडिया में है नॉन रेसिडेंट को टैक्स लगेगा। मेरी बात सुन,
टू जर्मन, यू हैव शेयर्स ऑफ इटालियन कंपनी, उस इटालियन कंपनी के शेयर्स के एक्सचेंज में भी तो तू एडीआर जीडीआर ले सकता है, तो इटालियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड भी इनडायरेक्टली तेरे को आके मिलेगा. दैट कैनॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज देर इज नो अंडरलाइंग एसेट इन इंडिया. दिस ट्रांजेक्शन इज ट्रिगरिंग 10% टैक्स इन इंडिया, क्योंकि जो ओरिजिनल सिक्योरिटी था दैट वॉज एन इंडियन कंपनी का सिक्योरिटी, तो 10% लगेगा. अरे आप समझा क्या मित्रों? एडीआर जीडीआर का मीनिंग ऑल्सो पे सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, और अगर 100 कंडीशन होएगा तो हमको टैक्स के पेपर के लिए वो 100 कंडीशन लर्न नहीं करना है, और तुम तो लॉ के लिए भी नहीं करने वाला है, तो टैक्स के लिए तो क्या ही करेगा. यू अंडरस्टैंड नो? वॉट एवर इज रिक्वायर्ड हैव वी अंडरस्टूड नॉन रेसिडेंट अर्निंग इनकम फ्रॉम एडीआर जीडीआर, और फॉर दोज हु हैव फॉरगॉटन इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स. कौन सा बॉन्ड्स? नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और बॉन्ड्स ऑफ एनी नोटिफाइड इंडियन कंपनी. मित्रों वो भी इधर ही था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस याद आता है, लास्ट इनकम ईयर. बेस्ट पार्ट इसके इधर तीन इनकम दिया और रेट तीनों का 10% ही है. डू यू सी दिस? बॉन्ड्स वाले के लिए व्हाट वाज द रेट ऑफ टैक्स? 10%. देन एडीआर जीडीआर के लिए आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो लाइफ में आप ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर करेगा. कौन सा? पॉइंट ए का बॉन्ड्स और पॉइंट बी का एडीआर जीडीआर. इन दोनों के ऊपर इफ यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट एलटीसीजी विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू 10%. सो द रेवेन्यू इनकम्स और द एलटीसीजी बोथ 10%. 10% देखते ही दो बातें क्लिक होनी चाहिए. लिसन, एक जो सेक्शन में लिखी है, विच आई विल राइट एज द सेम कलर वेर आई हैव रिटन प्रोविजंस, और दूसरी जो नहीं लिखी है वो मेरा एक्सप्लेनेशन है. ऑफकोर्स हम कलर चेंज करके लिखते हैं. यू विल हैव टू टेल मी बोथ थिंग्स. वन, देर विल बी नो इंडेक्सेशन, क्योंकि ऑलरेडी वी आर गिविंग यू अ रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स. वैसे भी स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में हमको पता था, नो इंडेक्सेशन. दूसरा, शॉर्ट टर्म विल गो इन नॉर्मल इफ स्पेशल रेट इज प्रिस्क्राइब्ड ओनली फॉर, मित्रों लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म किधर जाएगा? नॉर्मल में जाएगा. समझ में आता है एवरीवन? एब्सोल्युटली क्लियर? दैट वाज योर सेक्शन 115 ए सी. शैल वी गो अहेड? डू नॉट ट्राई टू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन सेक्शंस, यू मे नॉट फाइंड एनी कनेक्शन. शैल वी गो अहेड? सेक्शन 115 ए सी ए. अच्छा, जो जो लोग क्लास में बैठे हैं अब वो एसी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है लेकिन आज ताना मार दिया इसके लिए, नहीं नहीं आप करते रहो वो, आप आपका साइड बिजनेस आईएफओएस चलाते रह सकते हो. ओके, तुम लोग तो फाइनल वाले हो, तुमको मतलब इट विल बी वेरी फनी इफ आई टेल यू. अगर आप देखोगे ना उस कोने में वहां पे इंटर के जितने बच्चे अपने सबके स्वेटर उधर ही छोड़ के जाते हैं, बोले बाहर तो गर्मी है, घर पे लेके जाके क्या करें, क्लास में ठंडी लगती है, इधर ही छोड़ के जाते हैं, बाद में एवरीडे इधर ही आके स्वेटर पहनते हैं, शाम को इधर ही छोड़ के जाते हैं. दिख रहे? हाँ, मतलब जिसको ज्यादा ठंडी लगे आप यूज कर सकते हो, वो लोग भाड़ा भी नहीं मांगेंगे, उनको मैं बोलूंगा भी नहीं कि आपने यूज किया था. नाउ फोकस, 115 ACA, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चैप्टर द असेसी इज गोइंग टू बी रेजिडेंट. अब तक आप देखोगे तो ए बी ए सी ऑल थ्री सेक्शंस, एनआर चल रहा था, पहली बार रेसिडेंट. कौन रेसिडेंट? डू यू रियलाइज आफ्टर डूइंग रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग सब रेसिडेंट है. रेजिडेंट एम्प्लॉइज के लिए ये सेक्शन बना है. यू हैव टू बी एन एम्प्लॉय. नाउ देन, मोस्ट ऑफ अस आर एम्प्लॉइज, लॉट ऑफ अस आर एम्प्लॉइज, यू ऑल आर बॉन्डेड लेबर. सॉरी, आई एम एम्प्लॉय एट होम बट दैट इज नॉट काउंटेड एज ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज आई डोंट गेट सैलरी फॉर दैट जॉब. एंड आउटसाइड ऑफ माई होम वॉट एवर असाइनमेंट्स आई टेक अप, आई डोंट वर्क एज एन एम्प्लॉय फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. Everywhere I am an independent professional providing my professional services. So what employees are we talking about? We are talking about employees of Indian company. हम किसका बात कर रहे हैं?
हम किसी प्रोप्राइटरशिप का एचयूएफ का फर्म का मित्रों तुम सब जिस जिस एलएलपी में काम करते हो मोस्ट सीए फर्म्स हैव टुडे कन्वर्टेड इनटू एलएलपी. बाद में सॉलिड झटका दिया आंटी ने उनको. पहले वो लोग फर्म बन के चलते थे तो जिसका जिसका टर्नओवर 50 से कम रहता था वो लोग ये 44 एडा वाला प्रोविजन ले लेते थे. प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वॉज अलाउड टू रेजिडेंट्स डूइंग प्रोफेशन. इट कुड हैव बीन इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एलएलपी सबको मिलता था. आज से 2 साल पहले आंटी ने इधर अमेंडमेंट लाया बोला कि ओनली इंडिविजुअल एंड फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी. मतलब वो लोग क्लियरली बोलते हैं एचयूएफ कैन नॉट गिव प्रोफेशनल सर्विसेज इट कैन हैव बिजनेस. तो उसको अगर एडी में कोई बिजनेस है तो लो एडीए नहीं मिलेगा. पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ प्रोफेशनल फर्म तो ये मिलेगा लेकिन अगर एलएलपी है तो नहीं मिलेगा. मतलब ये जितने भी सीए फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो गए ना इफ द टर्नओवर इज अप टू 50 लाख दे विल स्टिल बी डिस्क्वालिफाइड. छोड़ो फिलहाल वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. यार दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज और फर्म्स और एलएलपीज. फर्म्स एलएलपीज सबको नहीं लगेगा. इट इज ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन कंपनी. आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी का भी चलेगा फर्म का भी एलएलपी का. सो कैन आई से आज से जितने भी लोग फर्म्स में एलएलपीज में एचयूएफ में काउंट होते हैं और काम करते हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड. वी आर गोइंग टू इंक्लूड ओनली कंपनीज का एम्प्लॉइज. वो भी अगर वो एम्प्लॉय समझ लो रिलायंस के एम्प्लॉय हो लेकिन आपको दुबई भेजा है काम करने के लिए यू वोंट बी कवर्ड हियर इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट. डू यू अंडरस्टैंड रेजिडेंट एम्प्लॉइज ऑफ इंडियन कंपनी. बट इसमें भी स्कोप बहुत वाइड है बिकॉज देर आर लैक्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन दोज कंपनीज. तो आप किस कंपनी की बात कर रहे हो. एन इंडियन कंपनी विच इज इन द बिजनेस ऑफ स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस. इंडियन कंपनी विच इज इन द बिजनेस ऑफ स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस. तो सबसे पहला आपका क्वेरी ये रहेगा कि सर प्लीज एक्सप्लेन कम ऑन व्हाट इज नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस. लेकिन ये लिस्ट तो मैं दे दूंगा. आई विल गिव यू द लिस्ट हियर हियर हियर. साथ में यू कैन आल्सो बी एन एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कंपनी डूइंग सेम बिजनेस. विच बिजनेस वही सेम लिखूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये का ये बिजनेस नहीं. इट कैन बी एनी ऑफ द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री का बिजनेस. तो डूइंग वही स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस. समझाता हूं सुनो प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट वी विल डिफाइन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री. पूरा पिक्चर उसको सुन के क्लियर हो जाएगा. ओके लेट अस टेक एन एग्जांपल के रेडीमेड गारमेंट्स इसमें आया नहीं है. एग्जांपल से पहले असेसी कौन कपड़े उसको समझने का कोशिश करें. लेट अस टेक रेडीमेड गारमेंट्स. बट फिर भी जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एलएलपी रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते दे विल नॉट बी कवर्ड. सो वी विल सी कौन सा इंडियन कंपनी. उस इंडियन कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज है दे विल गेट कवर्ड हियर इफ दे आर रेजिडेंट. क्या ऐसा हो सकता है कि उस इंडियन कंपनी की कोई फॉरेन में सब्सिडियरी है and that subsidiary is also doing one of these businesses to uske employees bhi cover ho jayenge. Means you can be employee of the Indian company or you can be employee of a foreign company also which is subsidiary of. aap kisi ke bhi employee ho sakte ho. aap Indian company ke bhi ho sakte ho ya kisi foreign company ke bhi ho sakte ho lekin wo foreign company hona chahiye. complete this line. foreign company hona chahiye subsidiary of Indian company and in this business which is given the list. तो once we do the list, everything will become clear. Okay? एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं. And they have defined knowledge based industry क्या होता है. तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा. We just have to see the list of industries given here. If you are in the business of IT software और IT service, क्योंकि ये similar है इसलिए मैं दोनों को साथ में कर रहा हूं. You are in the business of IT software और IT service. मतलब कहना इसे TCS, Infosys जिसके वेबसाइट्स
अपना बात हुआ है ना जीएसटी पोर्टल एमसीए पोर्टल के बारे में, इनकम टैक्स वाले को भी वैसा ही बनाओ तो बना दिया। तो टीसीएस, इंफोसिस, सत्यम विच इज नाउ महिंद्रा सत्यम, दीज आर पॉपुलर वंस, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी के सॉफ्टवेयर्स बना बना के बेचने वाली बहुत सारी कंपनी। आप हर वो ऐप जो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, बस किसी ने आपको ऐप का नाम बोला, सीधा डाउनलोड, आई अग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सीधा, लेकिन नीचे डेवलपर का नाम दिया हुआ रहता है। एंड मेनी अ टाइम दे आर कंपनी, अगर कोई फॉर्म एलएलपी है यहां पे नहीं आएगा, बट कंपनी तो हो सकता है। एनी कंपनी, टीसीएस, इंफोसिस आर ओनली पॉपुलर, एनी कंपनी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस विल गेट कवर्ड। नेक्स्ट, द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी फ्यू कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? आप बायोफ्यूल बना रहे हो, मतलब आप काउ डंग को प्रोसेस करके फ्यूल बनाने का काम कर रहे हो, तो डबल बेनिफिट हो रहा है ना, वेस्ट प्रोसेस भी हो रहा है और फ्यूल भी जनरेट हो रहा है, सस्ता हो रहा है। मुंबई से गुजरात जाओगे तो आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे आपको दिखेगा बायोडीजल अवेलेबल हियर, बायोफ्यूल अवेलेबल हियर। दैट इज द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। We want to promote this industry. This industry is also going to be treated as knowledge-based industry. It will get covered here. Next, the business of pharmaceuticals. Sun Pharma, Dilip Bhai, Dilip Sun, nahi? They took over Ranbaxy. Sun Pharma took over Ranbaxy, do you know that? Aaj se kuch saal pehle. That is, I think, a little before 2014. 15 में हुआ था सन फार्मा टेकिंग ओवर रैनबैक्सी। रैनबैक्सी वाज ओन्ड बाय द सिंह ब्रदर्स, सरदार जी थे, और उस टाइम पे बहुत जोक घूमता था पूरे इंडिया में, आप लोग बहुत छोटे थे, आपको पता नहीं होगा, दैट कंपनी का जो हालत हुआ है रैनबैक्सी का, सरदार जी ने बैंड बजाया, गुज्जू उसको ठीक करेगा। लेट्स होप इंडिया के साथ भी वैसा कुछ हो, वी डोंट नो हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे जोक बहुत चलता था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दिस कंपनीज, वेदर सन फार्मा, रैनबैक्सी, these are famous ones again, there's a company called Glenmark, आजकल बहुत चल रही है वो, okay? तो ये सब companies are in the business of pharmaceuticals, पूरा नाम है pharmaceuticals, यहाँ पे देखो handwritten book can never be same as the full theory book, pharmaceuticals, okay? Next, the business of entertainment, ये बहुत लफड़े वाला term, और बहुत झगड़े वाला term, because unfortunately there is no definition of the term entertainment. It's a very subjective term. Different people get entertainment by doing different things. Not what you are thinking, but let me explain with examples that kisi ke liye stadium mein jaake IPL ka match dekhna entertainment ho sakta hai. मेरे लिए नहीं है, मैं स्टेडियम में जाके गला पड़ू, गला फाड़ते फाड़ते तो पूरा जिंदगी निकल जा रहा है, एंड यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ वंस यू आर देयर, तो आई मे नॉट प्रोबेबली बी कंफर्टेबल, विद द एक्सेप्शन बीइंग दैट इफ द मैच इज बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता, तो बोलते ना घर में घुस के मारेंगे, वो एक्साइटमेंट मेरा कुछ अलग ही है, क्योंकि वो झगड़ा बेडरूम तक चलता है कि वॉट इज बेटर। बाकी ऐसा है कि उनको बोलो एक बार रिकॉर्ड खोल के देख लो, पता चल जाएगा मुंबई और कोलकाता के मैचेस का रिकॉर्ड्स क्या, आप खाली गूगल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं, 15 साल में 5 बार भी नहीं जीते हैं मुंबई के सामने, देख लेना। मतलब मुंबई का कोलकाता के साथ मैच होता है तब तो ऐसा कि ये तो पक्का जीतेंगे, आगे का देखते चलो, और उनके ओनर को हमारे स्टेडियम में अलाउड नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है बक भाई, कोई इतना मस्ती तो ले रहा हो, कोई है तो नहीं ना कलकत्ता से, नहीं ना, नहीं तो बाद में, नहीं तो बाद में पता चला क्या कायरे, जरा एक बार बाहर मिलना तो। हाँ, नहीं नहीं, एक दूसरे से कंफर्म मत करो, ये तू तो बंगाली है ना, तू तो है, नहीं ना, इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई सिंस मेनी इयर्स तो यू आर अ मुंबई का, ओके, मराठी आली पाहिजे पण छोड़ जाने दे, पॉइंट की बात करता हूं, एंटरटेनमेंट सबका अलग रहता है ना यार, this is not defined and thus you will have to take this in common sense. Agar koi company stand up comedy ke shows chala rahi hai,
दैट इज एंटरटेनमेंट। आपसे पैसा लेके कॉमेडियन को पे करके पेपर में एड के आज यहां पे ये शो होने वाला है, दे आर मैनेजिंग द होल थिंग, दैट इज एंटरटेनमेंट। कोई कंपनी अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट्स कंडक्ट कर रही है, अबे अरिजीत सिंह थोड़ी काउंटर पे बैठ के ले आ, 5,000 वाला टिकट दू के 2,000 वाला दू, आगे से आना है तो 1,00,000 का, वो थोड़ी काउंटर पे बैठ के टिकट बेचता है, कैसा लगेगा नहीं काउंटर पे बैठा बैठा टिकट बेचना, उसको तुम बोलेगा एक इधर गा के सुनाएगा क्या प्लीज। जैसे मम्मी लोग होती है ना, कोई भी आता है ना, बचपन में बोलती थी पोयम सुना, अभी बोलती गा के सुना, कोई भी आता है तो मम्मी लोग का कैसा होता है ना, वैसा ही समथिंग लाइक दैट, यस और नो? एक कंपनी है पूरा मैनेजर। अगेन क्वेश्चन अराइज़ेस, क्या ये एंटरटेनमेंट है? थिंक अबाउट इट, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में जाके आपको खाली रोना है, कैन दैट बी एंड? नहीं, पर किसी किसी को लगता बस इतना बोल दिया तुम उधर ही गिर गया। मैं मारवाड़ी हूं, मैं पैसा देके रोने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो हंसने जाऊंगा, पैसा भी दू और रोके आऊ, ये कैसा हिसाब है भाई? सो इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। वो किसी के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है, कोई कंपनी सर्कस चला रही है ना, रेमबो सर्कस, वो धाना फिरेरा फेरी के लास्ट सीन में, इधर सर्कस नहीं है, वो फेमस कितना हुआ वो अक्षय कुमार का जवाब मालूम है, चल दे आपको हंसीगा, अक्षय कुमार का वो डायलॉग उधर से ही तो फेमस हुआ, इधर सर्कस नहीं चल रहा है, याद आता है? इट इज ऑल एंटरटेनमेंट, ऑल दिस इज एंटरटेनमेंट। अब इसके अंदर आप आपके यशराज या धर्मा प्रोडक्शंस या रेड चिलीज वो सब भी इसके अंदर आएंगे। हाँ बालाजी टेलीफिल्म ऑल्सो, दिस साइड ऑफ द क्लास, ओके बालाजी टेलीफिल्म ऑल्सो, ये सब एंटरटेनमेंट है, ओके ये कॉमन सेंस में आपको लेना पड़ेगा। माय क्वेश्चन इज, यशराज लिमिटेड, धर्मा प्रोडक्शंस को, बालाजी टेलीफिल्म्स को अगर हम एंटरटेनमेंट के डेफिनेशन में डालते हैं तो कहना इसे दिस कंपनीज विल बिकम द स्पेसिफिक असेसी ऑफ दिस सेक्शन? नहीं, उनका एम्प्लॉइज वो भी अगर रेसिडेंट हुआ तो, ये समझना पड़ेगा। द कंपनी इज डूइंग द बिजनेस, उसका एम्प्लॉई स्पेसिफिक असेसी बनेगा। मतलब लुक एट हाउ वियर दिस इज, यू विल बी कवर्ड हियर और नो विल डिपेंड ऑन तुम्हारे सेट का बिजनेस क्या है। अगर सेट ये बिजनेस में है तो एम्प्लॉई इधर कवर होएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लास्ट में ये लोग बोलता है एनी अदर नोटिफाइड, तो इफेक्टिवली आपको 5 ही लर्न करना है। सो नाउ द पिक्चर विल बिकम अ लिटिल क्लियर, अब फुल्ली क्लियर। यू फर्स्ट गो एंड चेक के कंपनी इसमें से किसी बिजनेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 बिजनेस ही कवर्ड, आप 5 ही देखो एनी अदर नोटिफाइड को छोड़ो, उसमें भी ये बिजनेस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होना चाहिए, फर्म एलएलपी नहीं चलेगा। सो इफ द कंपनी और एलएलपी इज डूइंग दिस बिजनेस, सॉरी इफ द कंपनी इज फर्म और एलएलपी इज डूइंग दिस बिजनेस तो नॉट अलाउड, कंपनी इज डूइंग दिस बिजनेस तो अलाउड, उसका एम्प्लॉइज यहां पे इस सेक्शन में कवर होगा। वो भी अगर एम्प्लॉय धर्मा प्रोडक्शन ने किसी एम्प्लॉय को बाहर किसी फॉरेन लोकेशन देखने के लिए भेजा है और वो 1 साल तक उधर ही रह गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, तो वो यहां पे नहीं कवर। और इनमें से किसी कंपनी का कोई फॉरेन सब्सिडियरी है, यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट फॉरेन सब्सिडियरी, फॉरेन सब्सिडियरी ऑल्सो शुड बी इन दिस बिजनेस। यू आर एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन कंपनी, दिस टाइम यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी, यू आर एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन कंपनी, बट दैट फॉरेन कंपनी इज तो भी आप कवर्ड, लेकिन आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। सो या तो आप इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय हो या फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय हो जो इंडियन कंपनी का सब्सिडियरी है, लेकिन आपको दोनों ही केस में रेजिडेंट होना पड़ेगा। तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट कवर्ड एज द स्पेसिफिक असेसी ऑफ दिस सेक्शन। मित्रों ये असेसी का डेफिनेशन था, रेजिडेंट एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी डूइंग द बिजनेस ऑफ स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस, और सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कंपनी डूइंग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस। अब सुनो, मैं क्यों इसको फॉरेन कंपनी करके बोल रहा हूं, सेक्शन में फॉरेन कंपनी नहीं लिखा है, बट अंडरस्टैंड अगर वो सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कंपनी भी इंडियन कंपनी है तो वो तो इधर ही आ जाएगा। इफ दे आर राइटिंग इट सेपरेटली, मतलब दे आर ओनली टारगेटिंग सब्सिडियरीज विच आर नॉट इंडियन कंपनीज, इफ इट वॉज ऑलरेडी इंडियन कंपनी तो फिर सब्सिडियरी नहीं भी होता तो भी कवर्ड है ना, एंड बोथ हैव टू बी इन दैट बिजनेस। मतलब जिसके भी आप एम्प्लॉय हो, आपके बॉस को इस बिजनेस में होना चाहिए, आप जिसके भी एम्प्लॉय हो, ओके? अब आएगा सेकेंड पार्ट आफ्टर असेसी, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट इन एवरी सेक्शन? इनकम, इनकम फ्रॉम एडीआर जीडीआर। हाँ, भगवान की दया से या किसी और की दया से अब हमको एडीआर जीडीआर का मीनिंग पता है। यू गेट दिस इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, दिस यू हैव गॉट इन एक्सचेंज ऑफ सम सिक्योरिटीज,
कौन सा? एम्प्लॉयर कंपनी सिक्योरिटीज। आर यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल अगर मैं ईआर और ईई लिखूं तो? ईआर विल स्टैंड फॉर एम्प्लॉयर एंड ईई विल स्टैंड फॉर एडीआर जीडीआर इन एक्सचेंज ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी सिक्योरिटीज। क्या जिस कंपनी में नौकर है वहां का सिक्योरिटीज? अरे ये तो नौकर है। हाँ, इफ यू आर एन एम्प्लॉय तो हाउ विल यू गेट दिस सिक्योरिटीज? इशूड बाय वे ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्वैट इक्विटी, आप जो भी बोलो। तो ये भाई का स्वैग ठग लाइफ चेक कर लो। कंपनी इसको बुला के बोलता है यार इधर तू कितने साल से नौकरी कर रहा है, इतना पूरा लाइफ दे के भी नौकर बन के रह रहा है, चल हम तेरे को मालिक बनाते हैं। नाउ हाउ डू यू बिकम मालिक? बाय गेटिंग सिक्योरिटीज। वो बोलता है सर पैसा नहीं है, नहीं तो कब का मालिक बन गया होता, आपसे पूछने थोड़ी आता, मार्केट से खरीद लेता। एम्प्लॉयर बोला चल आई गिव यू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, कंसेशनल रेट, वी कॉल इट स्वेट इक्विटी। ईसॉप कंपनी ने इसको दया देख के सिक्योरिटीज दिया और ये ब्रो ने क्या किया, इस सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग कर रहा है। वो ट्रेडिंग भी किधर, इंडिया में नहीं, एक्सचेंज करके एडीआर जीडीआर लिया और फॉरेन में ट्रेडिंग कर रहा है। सो एम्प्लॉयर कंपनी इज गिविंग सिक्योरिटीज, ही इज एक्सचेंजिंग इन फॉर एडीआर एंड देन फर्दर ट्रेडिंग इन दोस एडीआर जीडीआर। फाइनली जो इनकम आएगा, जैसे पहले भी आ रहा था लास्ट सेक्शन में, इट विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 10%। सुनो, एम्प्लॉयर अगर इंडियन कंपनी है तब तो अंडरलाइंग एसेट इज इन इंडिया, तब तो टैक्स लगेगा ही। लेकिन अगर एम्प्लॉयर फॉरेन कंपनी है, सेक्शन में तो फॉरेन कंपनी भी हो सकता है ना, अगर सब्सिडियरी वाला केस है तो एक्सचेंज जो किया है वो अंडरलाइंग एसेट भी फॉरेन शेयर है, तो फिर ये टैक्स कैसे लगेगा यार? वेक अप। ये रेसिडेंट है तो इसको सब पे लगेगा। इवन इफ द एम्प्लॉयर का कंपनी, एम्प्लॉयर कंपनी वाज अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के शेयर को भी एक्सचेंज करके एडीआर जीडीआर लिया, तेरे को तो सब पे टैक्स लगेगा ना, बिकॉज दिस सेक्शन कवर्स, समझा? एंड सेकेंड, एंड दिस इज द सेकेंड एंड लास्ट इनकम ईयर, गैस मारो राइट निकलेगा। ऑन द अबव 10%। चलिए बोल दीजिए दोस्त टू मैजिकल थिंग्स। नो इंडेक्सेशन, और अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो नॉर्मल रेट्स, करेक्ट है? दैट्स योर 115A, C, A। एवरीवन क्लियर? चलिए आगे जाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 115AD, सेक्शन 115A। अरे ये डी, तुमको वही सब क्लिक होता है ना, AD, AD, नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 115AD, AD, ओके? व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड 115AD? दिस सेक्शन इज गोइंग टू टारगेट टू असेसिस। आज से कुछ साल पहले यहां पे सिर्फ एक ही असेसी हुआ करता था, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी वंस अगेन, भगवान की दया से या किसी और की दया से, डू वी नो क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर प्लस सेकेंड स्टेप इज सेबी अप्रूवल, एंड व्हाट आर दे गोइंग टू डू? डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द, सो कैन आई से दे आर गोइंग टू बी होल्डिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज? ऑल फॉर्म्स मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनकम भी तो इन सब में से आएगी ना, यस और नो? तो इन सिक्योरिटीज से मिलने वाली इनकम, एक होती है रेवेन्यू रिकरिंग इनकम विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, और एक होता है इनको बेच के आने वाला कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स
सेक्शन कवर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दैट वी विल सी. टिल नाउ ऑल द सेक्शंस दैट वी स्टडीड कवर्ड ओनली लॉन्ग टर्म, करेक्ट है. लेकिन आंटी ने आज से 2 साल पहले इस एफआईआई के साथ में एक और असेसी यहां पे कवर किया. आंटी नाउ सेज वी विल ऑल्सो कवर समथिंग कॉल्ड स्पेसिफाइड फंड्स, क्योंकि सिक्योरिटीज में दोनों इन्वेस्ट करेंगे. कौन कौन? एफआईआईज भी इन्वेस्ट करेगा, ओएफओ तो म्यूचुअल फंड, नहीं नहीं यहां पे एफआईआई भी इन्वेस्ट करेगा और स्पेसिफाइड फंड भी इन्वेस्ट करेगा. एफआईआईज का मीनिंग तो सर भी, कम ऑन, एफआईआई का मीनिंग तो भी ऑलरेडी नो. सर ये आंटी ने अगर नई चीज लाई है, कौन सी नई चीज तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज द मीनिंग. स्पेसिफाइड फंड इज बेसिकली अ फंड दैट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. मतलब ये फर्म फंड रजिस्टर इनकॉर्पोरेट सेटअप कहां पे होगा? इंडिया में होगा. फर्स्ट कंडीशन, इट विल बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी ट्रस्ट एलएलपी. पहले इतना लिखा, क्या लिखा? कंपनी ट्रस्ट एलएलपी. लास्ट में लिखता है बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज समवेयर वी आर यूजिंग अ ग्लोबल टर्म हियर. इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर ट्रस्ट कंपनी फर्म एलएलपी सबको अलग माना जाता है. मोस्ट कंट्रीज, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो यू आर अ फंड. फंड का मतलब क्या होता है? लोग वहां पे पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उस पैसे से ही आगे इन्वेस्टमेंट करने वाला है. एफआईआई भी इन्वेस्टमेंट करेगा इन इंडियन मार्केट्स. फंड विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट्स. दिस इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. मतलब एफआईआई बाहर के फंड है जो यहां पे आ रहे हैं और ये इंडिया में ही एस्टैब्लिश किया हुआ एक फंड है विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ट्रस्ट एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड अंडर द रेगुलेशंस लेड डाउन बाय सेबी. यहां तक के जो कंडीशंस है बहुत नॉर्मल है. तो कोई भी म्यूचुअल फंड होगा, थिंक अबाउट इट, दिस फंड इज एक्टिंग एज अ म्यूचुअल फंड ओनली. यूनिट होल्डर्स का पैसा आएगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा. सेबी का अप्रूवल, एवरीवन इज टू रिक्वायर, एवरीवन इज टू अक्वायर. और जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है वो एज अ ट्रस्ट स्पॉन्सर एलएलपी कंपनी, इसमें से कुछ होने वाला है. कोई इंडिविजुअल तो म्यूचुअल फंड चलाएगा नहीं. थिंक अबाउट इट. द मेन कंडीशन इज all units of this fund, all the units excluding the sponsor. When we say sponsor, matlab aisa tum dost ko bolte hai na ki aaj ka treat tu sponsor kar, ye wo sponsor nahi hai. When companies are created, do you know that someone has to put that initial funding, initial seed capital starting mein? Ab ye fund agar India mein establish ho raha hai to starting mein jisne paisa laga ke fund ko create kiya hoga wo to India wala hoga. इसको छोड़ के बाकी सब यूनिट्स शुड बी हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट. सो इफेक्टिवली व्हाट वी रियलाइज इज नॉन रेसिडेंट्स अपने कंट्री में एफआईआई के नाम से एस्टैब्लिश करके यहां पे आते हैं. या एक काम करो, तुम इधर आके इधर ही एक फंड खोल दो, पैसा यहां पे जमा कर दो उस फंड के पास और वो फंड इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा. अंडरस्टैंड द कॉमन पॉइंट्स एंड डिफरेंसेस इन एफआईआई एंड स्पेसिफाइड फंड. अगर एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड एकदम अलग होते हैं ना, तो फिर हम सेक्शन अलग करते. साथ में रखा है मतलब देयर हैज टू बी समथिंग कॉमन. बोथ ऑफ देम हैव मनी एंड बोथ आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट्स. दोनों के पास पैसा है और दोनों इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस? दैट एफआईआई बाहर रजिस्टर होके इधर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने आ रहे हैं और स्पेसिफाइड फंड इधर ही इनकॉर्पोरेट हुए, इधर ही पैसा जमा किया नॉन रेसिडेंट्स ने. थिंक अबाउट इट, आप नॉन रेसिडेंट हो, आप बाहर से इंडिया में आए हो, तो आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर पाओगे अनलेस यू आर एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विद ह्यूज फंड्स. एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट लिटल ओनली. तो एक काम करो, इस फंड के ओनर आप भी बन जाओ और यह फंड आपके बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट करेगा जैसे एफआईआई करता है. डिफरेंसेस, वो बाहर इनकॉर्पोरेट होकर यहां पर इन्वेस्ट करता है, ये यहां पर इनकॉर्पोरेट होकर यहां पर इन्वेस्ट करता है.
So everything has to be held by non-resident, except जिसने start किया. Start करने वाला तो resident होएगा, तभी तो इधर बैठ के काम कर रहा है. Correct? Now यहां पे when they incorporated specified fund, तो ये condition लिखा और बहुत genuinely and logically they wrote this condition. एक practical difficulty आया. Fund got created. All sponsors, all unit holders were non-residents complying with the condition. अब अगर 50,000 unit holder मिला के ये fund यहां पे create करते और सब non-residents है, तो we are fulfilling the condition. लेकिन ये जो 50,000 unit holder है, ये लोग इंडिया में कितना दिन रहेंगे और इंडिया के बाहर कितना दिन रहेंगे, that cannot be controlled by us. No. क्या आप इस बात से अग्री करते हो? ये लोग इंडिया में कितना दिन रहेंगे और इंडिया के बाहर कितना दिन रहेंगे, that cannot be controlled by us. Is it possible के fund के creation के time पे some of them were, which later on go and become possible? But poor guy, the fund cannot control this. तो फिर last year वापस एक exception add किया, that if non-resident at the time of acquisition of units, if it was non-resident at the time of acquisition of units, later becomes resident, is that possible? पहले ये non-resident था, बाद में ये resident हुआ. जब हम लोगों ने उसको issue किया, उस टाइम पे जो कंडीशन था वो फुलफिल था, ओनली दैट इज अवर कंट्रोलेबल. वो बाद में रेजिडेंट बन गया तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल रहने वाला नहीं है. इफ इट इज अप टू 5% इन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू बोथ, अगर 5% जितने यूनिट होल्डर्स पहले नॉन रेजिडेंट थे लेकिन बाद में रेसिडेंट बन गए, तो नो प्रॉब्लम. 5% से ज्यादा बन गए तो द फंड इज नो लॉन्गर स्पेसिफाइड. 5% से ज्यादा बन गए तो फंड इज नॉट स्पेसिफाइड. इतना फ्रीडम वी हैव गिवन. प्रैक्टिकली यू विल गेट ओनली अ हैंडफुल ऑफ सच इन्वेस्टर्स जिनको इंडिया में एक फंड में इन्वेस्ट करके अचानक से इंडिया से प्यार हो गया और इधर रहने लग गए. बाहर से आने वाले को इंडिया से प्यार होने का प्रोबेबिलिटी एनीवेज बहुत कम है कि बाहर रहता था अचानक से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉरेनर कमिंग एंड सेटलिंग इन इंडिया? कितने लोग ऐसे देखने मिले, अनलेस यू आर मैरिड टू हार्दिक पांड्या और प्रियंका चोपड़ा. अदरवाइज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको दिख रहा होगा कि इंडियंस माइग्रेट करते हैं, इंडियंस इंडिया से फॉरेन चले जाते, एक बार चले जाते वापस कभी आते ही नहीं. सो प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली इज वेरी लेस टिल वी आर गिविंग यू फ्रीडम ऑफ 5%. So at the time of issue, it has to be a non-resident. Later on becoming resident, 5% तक का चलेगा. Up to 5% allowed. So what is a specified fund? India में incorporate हुआ है, in the form of a trust, body, corporate, company or LLP. SEBI का regulations fulfill किया. All unit holders are non-resident except sponsor, और 5% का variation will be allowed. It has to be located in IFSC, International Financial Services Center. This is going to make you understand ke specified fund alag kyun kiya. Because even till here people were thinking, I know what you were thinking. You were thinking, sir, India mein ye kaam karne ke liye already mutual funds hai. Foreigner ko bahar se team bana ke aana hai, to FII ban ke aao sab log milke. Aur India mein hi aana hai. तो म्यूचुअल फंड है. सो व्हाई इज दिस स्पेसिफाइड फंड डिक्लेयर्ड, डिफाइंड, एक्सप्लेन्ड सेपरेटली? सर व्हाई? बिकॉज़ ये फंड क्रिएट हो रहा है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, आईएफएससी की इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है. क्रिएटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी. दिस विल क्लियर द एंटायर पिक्चर. International Financial Services Center, physically in India, but mentally imagine outside India. वहां पे एक fund setup हुआ है. ये एक special fund है जहां पे सब लोग आके अपना पैसा लगेंगे. सब लोग मतलब कौन लोग? Non-residents, except the one who created.
नॉन रेसिडेंट का पैसा इधर जमा हो गया, अब इस पैसे से दे विल मेक इन्वेस्टमेंट्स इन आईएफएस विच विल ब्रिंग द सो मेनी बेनिफिट्स. डिविडेंड का 20 की जगह 10, इंटरेस्ट के ऊपर भी जो कम रेट लगता है, ऑल द बेनिफिट्स. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड अगर किसी सुनो इन द सेक्शन दे से द ब्रांच ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. इंग्लिश ठोका या थियोरी बुक में तुमको मिल भी जाएगा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक है ना. स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ब्रांचेस है, एचएसबीसी के ब्रांचेस है, एंड सम ऑफ देम आर एंगेज्ड इन इन्वेस्टमेंट बिजनेस ऑल्सो. तुमको क्या लगता है बैंक तुम्हारे पैसे से जो लोन्स देता है, लोन्स तो आधे लोग रिपे ही नहीं करते. लोन्स कैन नॉट बी दी ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी बैंक्स. अलोंग विद द लोन्स दे ऑल्सो हैव अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो दे विल ऑल्सो बी कवर्ड ऑफकोर्स इफ लोकेटेड इन आईएफएस. तो आईएफएससी में जितने भी फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस है जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड फंड्स फॉर गिविंग द बेनिफिट दैट इज गिवन. तो सेक्शन 115A(d) क्या बोलता है ये? टू टाइप्स ऑफ असेसीज विल बी कवर्ड. एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो ट्रेडिशनली इंडिया में आई रहते इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन सिक्योरिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव अप्रूवल इन्वेस्ट इन एनीथिंग. सेकेंड, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यहां पे ही एक फंड बनाते हैं, स्पेसिफाइड फंड. नॉन रेसिडेंट्स उसमें पैसा लगा लो और वो फंड तुम्हारा पैसा इंडियन मार्केट्स में लगाएगा. तुम बाहर से एफआईआई बन के आओ कि तुम यहां से लगाओ, एक ही बात है. वी विल गिव यू सम टैक्स प्रिविलेजेस, बट फॉर बिकमिंग स्पेसिफाइड फंड यू हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट कंपनी बॉडी एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी. यू हैव टू बी कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस लेड डाउन बाय सेबी विच आर सब्सटेंशियली रिलैक्स कंपेयर टू अदर पीपल हु वॉन्ट टू डू द लिस्टिंग पार्ट. ओके, देन यू हैव टू हैव ऑल द यूनिट होल्डर्स एज नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट द स्पॉन्सर एंड 5% का रिडक्शन अलाउड अगर वो लोग बाद में रेसिडेंट बनते हैं तो. एंड लास्ट, यू हैव टू बी लोकेटेड इन आईएफएससी. एट द एंड ऑफ द डे, वॉट इज कॉमन इन एफआईआई एंड स्पेसिफाइड फंड? इफ यू कैन टेल मी इन वन लाइन के एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड दोनों काम यही करने वाली है, अगर आप वो बोल दोगे तो आप समझ जाओगे कि जब मेरा स्पेसिफिक असेसी हो गया है, अब मैं इनकम्स पे आपको लेके जाऊंगा. व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हाट इज द कॉमन थिंग? बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन मार्केट्स इन सिक्योरिटीज. तो कैन आई से वेदर एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड दोनों के पास क्या है? सिक्योरिटीज इन इंडिया. दीज सिक्योरिटीज विल गिव यू टू टाइप्स ऑफ इनकम. एक होता है आपका रिकरिंग इनकम विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इनकम, दूसरा होता है आपका कैपिटल गेन. कैपिटल गेन अराइजिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. मित्रों, कैपिटल गेन अराइजिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो एफआईआई का रेट ऑफ टैक्स लगेगा 20%. फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम द रेट ऑफ टैक्स ऑन एफआईआई इज गोइंग टू बी 20%. मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑल दैट विल बी टैक्सेबल एट, सम इयर्स अगो डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट बट नाउ दैट इज आल्सो टैक्सेबल 20%. लेकिन स्पेसिफाइड फंड, मित्रों ये तो आईएफएससी है, इसको तो हमको टैक्स बेनिफिट देना है, तो स्पेसिफाइड फंड के लिए तो ऑब्जर्व करते जाओ, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि आईएफएससी को जगह जगह पे टैक्स बेनिफिट. स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू रेजिम में भी एटीएलए मिलेगा, स्पेशल रेट के सामने भी मिलेगा. देन एसटीटी नहीं लगेगा, फिर भी 111A, 112A मिलेगा. देन डिविडेंड का और इंटरेस्ट का दोनों का कंसेशनल रेट दिया हुआ है. देन यहां पे भी इफ यू आर स्पेसिफाइड फंड इन्वेस्टिंग इन आईएफएससी तो वी विल गिव यू अ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑफ 10%. करेक्ट. साथ में एक और लाइन ऐड कर दिया और कंफ्यूजन ऐड कर दिया. दे से दैट अगर स्पेसिफाइड फंड ने इन्वेस्ट किया है
इन IFRS. Now the surprising part is, sir, तुम क्या बोल रहा है, ये तो बना ही उसके लिए है, तो वहां से मिलने वाला इनकम तो सेक्शन 10 लिखो ना, सब सेक्शन क्या करोगे, क्लॉज नंबर क्या करोगे, IFSC से इनकम हुआ तो फुल्ली एग्जाम. एंड व्हाट इज योर काउंटर क्वेरी, सर इनको तो IFSC से ही इनकम, ये तो बना ही उसके लिए. दैट मींस कैन आई से द मोमेंट वी राइट दिस लाइन, ये तो पोपट हो गया. तो कोई रेलेवेंस है इस 10% का? इतना सा रेलेवेंस है कि अगर सेबी अपने रेगुलेशन में लिखता है कि वॉट एवर आर योर इन्वेस्टेबल फंड्स, उसमें से तुम 5% 10% आउटसाइड IFSC इन्वेस्ट करो, चलेगा. If SEBI ever relaxes the condition, SEBI can relax now also. आज हम बात करें, कल भी relax कर सकता है, कर भी दिया होगा. SEBI का regulation जाके देखना पड़ेगा. अगर outside of IFSC little investment is also allowed to you, तो that income will be taxable at 10%. Inside IFSC it is going to be exempt. जो भी आपका major income है वो तो exempt है. मतलब revenue income के लिए FIIs will be subjected to a tax of 20. And specified fund को IFSC पे तो पूरा exempt ही रहने वाला है. तो if at all we are levying any tax, हम लोग कौन से वाले income के ऊपर tax लेने वाले हैं? Only anything that is invested outside of your IFSC. So did you understand the tax treatment for revenue incomes, recurring incomes? जल्दी बोलो. FII के लिए what will be the rate of tax? 20. Specified fund in IFSC? Exempt. And outside IFSC 10%. Second income that will arise is, aaj nahi to kal, sooner or later, what will you do? Will you transfer these securities? Come on, that can be long term capital gain or short term capital gain. The capital gain that you are earning here will be long term capital gain और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. क्या दोनों पॉसिबल है? अब तक हमने इस चैप्टर में जितने सेक्शन किए सब में दोनों पॉसिबल थे, बट बाकी सब सेक्शन में स्पेशल रेट वॉज गिवन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. मतलब हमारा हर सेक्शन में एक ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखा था, शॉर्ट टर्म नॉर्मल, शॉर्ट टर्म नॉर्मल, शॉर्ट टर्म नॉर्मल. करेक्ट और नो? क्योंकि स्पेशल रेट वॉज गिवन ओनली फॉर, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट केस वेर दे हैव प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल रेट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल. तो दोनों का करेंगे. तो एक बात तो पक्की है, इस बार ओवर एक्साइटमेंट में पागल की तरह वो ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म नॉर्मल, क्योंकि सब सेक्शन में लिख रहे हो, इसके लिए पागल की तरह लिख मत देना, क्योंकि इस बार शॉर्ट टर्म का नॉर्मल नहीं है, दोनों के लिए स्पेशल है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्स एट अ रेट ऑफ 10%. तो गैस करो, वॉट विल आई राइट इन ब्रैकेट? नो इंडेक्सेशन. करेक्ट है. साथ में यह भी बोल दिया कि अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के conditions comply करता है तो टेक द बेनिफिट. क्या 112A भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था? बट इट वॉज अ वेरी वेरी रिजिड एरिया. कैसा रिजिड एरिया? इट वॉज स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस. कैसा कंडीशंस? ओनली 3 एसेट्स, उसमें भी STT पे होना चाहिए. अगर वो सब आप फुलफिल करते हो इक्विटी शेयर्स में तो ऑन और आफ्टर 110/2004 परचेस में भी होना चाहिए. इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड तो 112 है. फर्स्ट 1 लाख 0 बैलेंस के ऊपर 10. इफ नॉट फुलफिल्ड, समझ ले डिबेंचर्स है, STT भरा भी है तो भी नॉन 112A में जाएगा. समझ ले इक्विटी शेयर्स है लेकिन तूने STT नहीं भरा है, मे बी एट परचेस मे बी एट सेल एनी ऑफ देम, तो 112A में नहीं जाएगा. जो भी 112A में नहीं जाएगा वो इधर आएगा. द गुड पार्ट इज वेदर 112A का कंडीशंस फुलफिल्ड और नॉट फुलफिल्ड, क्या दोनों का ही 10% है?
जो फुलफिल हो रहा है वो भी 10 है, जो नहीं है वो भी 10 है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है दैट 112 है जो फुलफिल करता है वो 10% आएगा आफ्टर 1 लाख, और जो नहीं करता है दैट 10% विल कम राइट फ्रॉम द फर्स्ट रूपी, यस और नो? दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड, 112A में ग्रैंड फादरिंग का एक बेनिफिट दिया हुआ था जो यहां पे नहीं है, बट देन दैट ग्रैंड फादरिंग वॉज दोज हु हैव अक्वायर्ड बिफोर 2018, नॉट फॉर एवरीवन. अदरवाइज बोथ आर 10% विदाउट इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन हियर ऑल्सो देयर ऑल्सो. सो इफ एट ऑल यू फुलफिल कंडीशन, टेक दैट फर्स्ट 1 लाख का बेनिफिट, अदरवाइज डोंट टेक. है तो 10% ही. एंड अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, so do you remember the first and the only case where we have special rate for short term capital gain? फिर जाके बोलता है अगर आपने फुलफिल कर लिया है conditions of 111A was also short term, no? लेकिन तीन ही asset, once again equity shares, units of equity, unit mutual fund, units of business trust. And what is the second condition? You have to pay STT on the sale transaction. And 110/2004 के बाद में you also have to pay STT on POPAT. मरा ना वो तुमने वो ही किया जो इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ करेगा. शॉर्ट टर्म में परचेस का एसटीटी इज नॉट रिक्वायर्ड. परचेस हैज टू सफर एसटीटी. क्या लिखा था हमने? ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स, नॉट ऑन यूनिट्स, ओनली परचेस्ड आफ्टर 110/2004. तो यहां पे एक बार सेल पे एसटीटी लग गया है, परचेस पे लगा के नहीं लगा इरेलेवेंट. यू गेट 15%. एंड इज इट पॉसिबल यू आर अ केस ऑफ नॉन 111A है तो ऑब्वियसली टिक मारू क्या 15% है. 112A में भी अगर आपको चाहिए था तो 10% आफ्टर 1 लाख था, लेकिन अगर नॉन 111A है तो द रेट ऑफ टैक्स ऑफ FIIs ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30%. 30% इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ टैक्स. नॉर्मली अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आउटसाइड ऑफ 111A होता है तो व्हाट डू वी डू? अवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आउटसाइड 111A, व्हाट डू वी डू? नॉर्मल रेट्स. इनका अगर आउटसाइड 111A है तो 30%. इज दैट क्लियर? फर्स्ट एंड द ओनली केस वेयर वी हैव बीन गिवन शॉर्ट टर्म का भी नॉर्मल रेट. सो सिक्योरिटीज का 20 and 10, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 112A, नॉन 112A दोनों में 10 विदाउट इंडेक्सेशन है, खाली 112A वाले को 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी दो कैटेगरी है, 15 and 13. एक चीज याद दिलाता हूं आपको, बिकॉज दिस कैन पॉसिबली बी नॉट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस. And some can already see stars in broad daylight. दिख रहा है दिन में तारा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिखाओ. Thank you. When we did tax rates in the introduction chapter, क्या हमने discuss किया? क्या मित्रों? पांच रेट सरचार्ज का, 0% अप टू 50 लाख, देन 10, देन 15, देन 25, देन 37, इंडिविजुअल HUF, AOP, BY, AJP. ये लोग इफ रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट है तो AOP हो सकते हैं. FIIs नीड नॉट बी फॉरेन कंपनीज ऑल्सो और फॉरेन कंपनीज ओनली, दे कैन बी फॉरेन AOP. पॉसिबल है? AOP, BY का सरचार्ज का रेट कितना है इंडिया में? 25-37 लगता है वैसे तो, आफ्टर 2 करोड़, आफ्टर 5 करोड़. पांच स्पेशल इनकम्स के ऊपर 25-37 वॉज नॉट एप्लीकेबल. कौन सी पांच? अभी आपको है ना सब मालूम है, 111A, 112A, 112, FIIs का कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड. पांच के ऊपर 25-37 नॉट एप्लीकेबल, और इनकी वजह से इफ यू क्रॉस 2 करोड़ तो अदर इनकम के ऊपर भी 25-37 नॉट एप्लीकेबल. द
तो सब चीज पढ़ने का एक अप्रोप्रिएट जगह है. उस टाइम पे यू डिड नॉट अंडरस्टैंड बट नाउ यू विल अंडरस्टैंड. जब एफआईआई का कैपिटल गेन बोल रहा है तो एक्जैक्टली क्या बोल रहा है. कैपिटल गेन ऑफ एफआईआई अंडर सेक्शन 115 एडी हमने ऐसा ही कुछ लिखा होगा. चेक किया, मजा आया. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज योर सेक्शन 115 एडी. टू असेसीज, एफआईआईज एंड स्पेसिफाइड फंड्स, सिक्योरिटीज का रेवेन्यू इनकम एंड फर्स्ट टाइम व्हेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ आर गोइंग टू बी कवर्ड. तो इस बार मैं हर बार की तरह पागल के जैसा ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म नॉर्मल नहीं लिखेगा. इज दैट क्लियर? दिस वॉज द लास्ट बोरिंग सेक्शन ऑफ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स. बहुत एकदम बोरिंग बोरिंग, एकदम थियरी थियरी, वो यू नो, नो बॉन्ड्स नोटिफाइड तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक नोटिफाइड तो क्या क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है. लास्ट बोरिंग सेक्शन. अब तक का चैप्टर बहुत बोरिंग था ना. मैं बहुत शाना सीए, चालू आदमी, चंट आदमी, चोर आदमी. बस कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट एड मोर फुल फॉर्म्स टू दिस प्लीज. ओके, दिस मच इज गुड इनफ फॉर द टाइम बीइंग. प्लीज, थैंक यू वेरी मच. ओके, अगर आप बोलेगा ना सर अब तक का चैप्टर बहुत बोरिंग था, आई गिव अ डिस्क्लेमर. यार अब तक था तो था, अब नहीं होगा. नाउ ऑल द सेक्शंस आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग. और अगर आप बोलता नहीं नहीं सर हमको तो अभी तक भी कुछ बोरिंग नहीं लगा. ठीक है, सेक्शन है, पढ़ रहे एवरी, कुछ भी बोरिंग नहीं लगा. इट डिपेंड्स ऑन हु यू लर्न इट फ्रॉम. मैं दोनों बात का जवाब रेडी रखता हूं. चलिए, इन एनी केस, अब अब बोरिंग नहीं. सेक्शन 115. अब तक व्हाट वर वी डूइंग? सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट. बोलो यस और नो. तो सेक्शन लिखा है, व्हाट डज योर माइंड से? अब मैं क्या लिखू? असेसी नहीं, इस बार मैं इनकम्स लिखूंगा. नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर परमिशन. आई एम टेलिंग यू मैं इनकम लिखूंगा, क्योंकि मैंने इनकम लिख दिया तो रेट और असेसी दोनों आप बताओगे. यू ऑल कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. देखो, आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, फिर भी आप बताओगे. पॉसिबली वन ऑफ द फ्यू सेक्शंस ऑफ स्पेशल रेट्स विच आर टॉट टू ए टेक्स्ट बुक में खोल के नहीं देखने का. वन ऑफ द फ्यू सेक्शंस ऑफ स्पेशल रेट्स विच आर टॉट एट इंटर ऑल्सो. जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का या शॉर्ट टर्म का 111 है, वो तो इंटर में भी कराया जाता है ना, ये भी कराया जाता है. सेक्शन नंबर नहीं तो एटलीस्ट प्रोविजन तो कराया जाता है. यू ऑलरेडी नो द आंसर. इफ यू हैव गॉट इनकम इन द फॉर्म ऑफ विनिंग फ्रॉम, अच्छा सर ये लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एनी अदर गेम in the nature of thoughts, in the nature of what? Betting, gambling, game of chance. Chance बोलो, luck बोलो, ये सबको income tax में एक प्यार भरा नाम दे. बोले इतनी बार मैं आपको कैसे बार बार बोलू, we are going to learn tax rate of winning from lottery, crossword puzzle, card game, any other. कितनी बार बोलता जाएगा. इसलिए इनको सबको प्यार से बोला, ब्रो तुम कैजुअल. कैजुअल विनिंग मतलब ऐसा विनिंग जिसमें तुमने मेहनत नहीं किया, ये तो बस प्यार की तरह हो गया. इट जस्ट हैपन्ड यार, समथिंग लाइक दैट. कैजुअल विनिंग्स. सर जगह क्यों छोड़ा? आपने नहीं छोड़ा ना, आपने बिना जगह छोड़े लिख दिया ना, लिखा ही नहीं. Very smart. With effect from AY 24-25. अर्थात अमेंडमेंट ब्रो, दिस विल एक्सक्लूड विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग. सर कितने अच्छे हो गए ऑनलाइन में, हम लोग ने सबने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाया है. वो नहीं नहीं ब्रो, क्या तुमको याद है इस साल 115 BBJ आया है,
और जे इज गोइंग टू कवर ऑनलाइन गेमिंग, मतलब ऑनलाइन गेमिंग का अलग सेक्शन है, एवरी अदर कैजुअल विनिंग विल कम। ड्रीम इलेवन, एक बीच में जब कोविड आया तब भी आईपीएल तो रखना ही था, अरे वो एसेंशियल में आता था ना, एसेंशियल एक्टिविटीज वर ओपन, 1 लाख पीपल गैदर्ड इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम सेकेंड वेव के पहले, आईपीएल तो रखना था। लेकिन अगर ओप्पो को या वीवो को अब स्पॉन्सर बना लिया ना आईपीएल का, जब पूरी दुनिया चाइना से नफरत कर रही है, तो लफड़ा हो जाएगा। तो एक साल के लिए ऐसा आंख मार के ड्रीम इलेवन वाले को बोला तू आ जा, पता है आपको अगले साल वापस वीवो आईपीएल हो गया, तुम्हारे साथ खेला हो गया, तुमको पता ही नहीं चला के कैसा बड़ा पागल बनाया तुमको। हाँ वही ड्रीम इलेवन, यू हैव ऑल मेड टीम्स नो फैंटेसी वो, और ये ड्रीम इलेवन खाली पॉपुलर ब्रांड है, फैंटेसी क्रिकेट लीग्स बहुत सारे लोग, ये वो जो अश्नीर ग्रोवर है ना भारत पे वाला, वो अभी क्रिकेट के ऊपर एक क्रिक पे करके एक नया ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाला है कि आपके पसंद का प्लेयर अच्छा खेले तो उस दिन आप पैसा कमाओ। तो इमोशनली तेरा जो भी विराट कोहली से अटैचमेंट है, पैसा आरसीबी पे मत लगाना। देख क्या मतलब है, तेरा इमोशन अलग जगह, पैसा अलग, पैसे का काम पैसा करता है ब्रो। ऑनलाइन गेमिंग को टैक्स करने के लिए दे हैव क्रिएटेड अ न्यू सेक्शन दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन दैट सेक्शन 115 बीबीजे व्हिच इज आल्सो द लास्ट सेक्शन। इट मे नॉट हैपन टुडे बट टुमारो वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विद क्वेश्चंस, वी आर कंप्लीटिंग बायबैक टैक्स एंड वी आर मोस्टली आल्सो कंप्लीटिंग एसी सेट। हाँ ऐसा ही होने वाला है, नॉट ऑल चैप्टर्स आर बिग, ओके। तो ऑनलाइन गेमिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। आई थिंक पिछले हफ्ते में ये और भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि आंटी बोली अभी इस पे 28% जीएसटी लगाएगा, ऐसा ही कुछ कंट्रोवर्सी था। तो ऑनलाइन गेमिंग का अलग सेक्शन, लेकिन उसके अलावा हर टाइप का कैजुअल विनिंग। लॉटरी लगा है कभी आपका? नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर लग गया तो इट विल कम हियर। क्रॉसवर्ड पजल, इफ यू हैव एवर डन सुडोको पुडोको, न्यूज़पेपर में आता है वो कार्ड गेम, तीन पत्ती, रम्मी, सातम आटम, एनीवन हियर? दिवाली टाइम्स? नो, तीन पत्ती रे, कोई बात नहीं। वो दिवाली में एक तिथि आता है सातम आठम, उसमें लोग ओवरनाइट बैठ के तीन पत्ती खेलते हैं, फैमिली मेंबर्स टुगेदर, कोई भी जीते कोई भी हारे, पैसा घर में ही रहता है। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू, जो हारा उसको लॉस का सेटअप नहीं मिलेगा और जो जीता उसको ये सेक्शन लगेगा, इफ द एओ फाइंड्स आउट ऑफ कोर्स। एनी अदर गेम इन द नेचर ऑफ बैटिंग गैम्बलिंग, देयर वाज अ टाइम जब ये सेक्शन इतने में खत्म हो जाता था कार्ड गेम पे, मतलब लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम विल बी कैजुअल विनिंग्स। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन टीवी चेंज इन द ईयर 2000 विद अ हिस्टोरिकल गेम शो कॉल्ड कौन बनेगा करोड़पति? एनीवन नोज द नेम ऑफ द फर्स्ट करोड़पति? आपकी जनरेशन को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग पैदा नहीं हुए उसके पहले की बात, पहले के बच्चों को मालूम रहता था। देयर वॉज दिस गाय कॉल्ड फ्रॉम मुंबई कॉल्ड हर्षवर्धन नवाटे, आपला मानूस, ही वॉज द फर्स्ट गाय टू बिकम करोड़पति। और सेकेंड वाले को कोई याद नहीं रखता है, वायरस ने बोला था ना, नो वन विल रिमेंबर इफ यू केम सेकेंड। हाँ, और जब केबीसी हिट हुआ, लाइन लग गया टीवी गेम शोज का, दे ऑल वर नॉट सो पॉपुलर, इतने हिट नहीं हुए किसी का, ज्यादातर का तो दूसरा सीजन भी नहीं आया, लेकिन उस टाइम पे आया था। देयर वॉज अ टीवी गेम शो कॉल्ड छप्पर फाड़ के, गोविंदा आता था उसको होस्ट करने के लिए। देयर वॉज, आपको नहीं पता होगा, आई एम सो श्योर अबाउट इट, देयर वॉज अ टीवी गेम शो कॉल्ड सवाल 10 करोड़ का, विच वॉज बींग होस्टेड बाय अनुपम खेर एंड मनीषा कोइराला। उस टाइम पे वो लोग भी बहुत बड़े, अनुपम खेर इज इवन टूडे अ रिस्पेक्टेड एक्टर, मनीषा कोइराला इज आउट ऑफ एक्टिंग दीज डेज। देयर वॉज अ टीवी, ये शायद आपको पता होगा, 10 कदम, क्योंकि इसके और भी सीजन आए। देयर वॉज अ टीवी गेम शो के आप पांचवी पात से तेज है, वो शाहरुख खान उसको होस्ट करता था। देयर वॉज अ टीवी गेम शो सब खेलो सब जीतो, लाइन लग गया। देयर वॉज अ टीवी गेम शो खुल जा सिम सिम, ऐसा बहुत सारा टीवी गेम शो आया। अब जो भी ये विनर्स थे, ये लोग क्या बोलते हैं, ए सर मैंने लॉटरी खेला क्या? नहीं। मैंने क्रॉसवर्ड खेला? नहीं। मैं पत्ता खेला?
नहीं मैं केबीसी की हॉट सीट पे जाके जीत के आया, तो इट इज नॉट कैजुअल विनिंग, मेरे पास दिमाग है इसलिए जीता, लक थोड़ी है। अरे तेरे पास दिमाग है लेकिन तू हॉट सीट पे पहुंचा, वो तो लक है ना। तो बोलेगा नहीं सर मेरे पास स्पीड है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो वो जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के राउंड में ना 100 करोड़ में से 10 ही लोग पहुंचते, वहां पे लक है ना है। अरे सब लोग फोन करते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ। अगर आपके पास कोई सॉब स्टोरी है ऐसा सुनाने के लिए, वो ऐसा मेरी एक अंधी माँ विधवा बहन, ऐसा कोई आपके पास स्टोरी है तो आपका सिलेक्शन होगा। हाँ आपका लाइफ में अगर कोई बैड लक है तो सो यू अंडरस्टैंड नॉट एवरीवन गेट सिलेक्टेड फॉर दैट राउंड एज वेल। सो फाइनली विद द अमाउंट ऑफ विनिंग दैट वाज कमिंग, जो अमाउंट्स वर मैसिव, तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला क्या, एनी अदर गेम इन द नेचर ऑफ बैटिंग गैम्बलिंग गेम ऑफ चांस एवरीथिंग विल बी टेकन और ट्रीटेड एज अ कैजुअल विनिंग। ये जितने भी टीवी शोज थे अब सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इन फैक्ट आपको सरप्राइजिंग लगेगा मगर ये फैक्ट है दैट विनर्स ऑफ इंडियन आइडल कौन था सबसे पहला, ये मालूम है आपको? अभिजीत सावंत, मोहब्बते लुटाऊंगा, वही वही। सेकेंड इंडियन आइडल वॉज वन बाय अ गाय कॉल्ड संदीप आचार्य, बट ही पास्ड अवे सम इयर्स अगो ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ही वॉज द सेकेंड इंडियन आइडल। बिग बॉस के विनर नहीं मालूम? देर वॉज अ टाइम जब बिग बॉस भी वर्थ वॉचिंग था, जब सीजन वन आया था उसके अंदर देट वॉज वर्थ वॉचिंग। राहुल रॉय जीता था ना? नहीं सीजन वन किधर श्वेता तिवारी, वो तो चौथा या पांचवा सीजन जीती थी। सीजन टू में एक आशुतोष करके लड़का था जो रोडी स्पाई का भी विनर था, ही वन। देर वॉज अ टाइम वेन बिग बॉस वॉज वर्थ वॉचिंग। ये इंडियन आइडल के विनर्स, ये बिग बॉस के विनर्स, ये सबको इधर डाला है। अब आप बोलेगा सर इंडियन आइडल, आपको पता है एक टीवी गेम शो आता था फेम गुरुकुल, उसके अंदर अरिजीत सिंह पार्टिसिपेंट था, तब कोई उसको जानता नहीं था, एंड द विनर वॉज अनदर गाय कॉल्ड काजी तौकीर, उसको आज कोई नहीं जानता। कश्मीरा, हाँ वो था कश्मीर का था काजी, वो जीत गया क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग थी, बट अरिजीत सिंह वॉज ऑलवेज अ बेटर सिंगर, और शो के जजेस ने उसको बोला तू शो से बाहर हो रहा है लेकिन लाइफ में बहुत आगे जाएगा। टुडे नो वन इवन नोज काजी तौकीर का नेम, ही वॉज द विनर ऑफ दैट शो। ये जितने विनर्स है सबको यहां पे कवर किया। अब आप बोलेगा नहीं सर ये तो अच्छा गाता है टैलेंट है, लेकिन वो गेम शो जीता ना उसमें पब्लिक का वोटिंग होता था, इट वॉज ट्रीटेड एज कैजुअल। ऑल टीवी गेम शो विनर्स, इमेजिन कर हर्षवर्धन नवाठे जब जीता उस टाइम पे ना, उस जमाने में साल 2000 में कैजुअल विनिंग्स का 40% इनकम टैक्स होता था, सेस नहीं था, सेस वॉज तो इंट्रोड्यूस पहली बार इन 2004। 10% सरचार्ज लगेगा फॉर एनीबडी अर्निंग मोर देन 10 लाख, 10 लाख के बाद 10% सरचार्ज होता था, मतलब 44%। वो सोच रहा था 1 करोड़ जीता, घर पे खाली 56 ही मिला उसको। आई होप यू अंडरस्टूड द मैथ्स हियर, 40% 40 लाख प्लस 10% 4 लाख, पोपट हो गया बेचारे का। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल दिस विल बी ट्रीटेड एज कैजुअल विनिंग्स। अब आप मुझे बताएगा रेट ऑफ टैक्स और आप बताएगा अशेष, किसी को भी लॉटरी लगे 30%, ऑल असेसीज विल पे 30% टैक्स ऑन कैजुअल विनिंग्स। एनी गेम ऑफ लक, एनी गेम ऑफ चांस, और लेट अस पुट इट दिस वे, विथ हार्ड वर्क इफ द देयर इज मेजर कंपोनेंट ऑफ चांस, ये सब सिंगर विंगर ये लोग सबका हार्ड वर्क है लेकिन मेजर इंपैक्ट चांस का लक का था, विच क्लियरली टेल्स अस व्हाई अरिजीत सिंह लॉस्ट द शो बट काजी तौकीर वन, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, ही ओनली हैड फैन फॉलोइंग। हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, कुछ लोगों की फैन फॉलोइंग होती है लेकिन वो अच्छे नहीं होते, लेट्स नॉट गेट इनटू मड स्लिंगिंग। तो ये हर प्रोफेशन में होता है, फैन फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग गुड और बैड। और मैं मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा बोलता हूं कि तुम एक बार आधा घंटा वीडियो तो देखो प्लीज, तुमको पता चल जाएगा फैन फॉलोइंग का मतलब और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या डिफरेंस। यू तो वॉच, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक घंटा वीडियो देख के आओ, तो आपको डिफरेंस विल बी वेरी वेरी क्लियर।
ओके सो हर प्रोफेशन में ऐसा होता है बट द पॉइंट इज के यार द मेजर कंपोनेंट वाज लक एंड देयरफॉर इट वाज क्लासिफाइड अंडर कैजुअल विनिंग्स. ऑनलाइन गेमिंग का अलग से इसलिए क्लासिफाई किया दैट वे आप देखोगे तो वो भी एक तरीके से कैजुअल विनिंग है. अच्छा दूसरी बात उधर भी ऑल असेसिस 30% है. अमेंडमेंट आपको अभी ओरली बता देता हूं. दैट मीन दिस इज सेम. तो सर ये निकाला क्यों, इसको इधर ही रहने दो ना, इसको कैजुअल विनिंग का पार्ट बना दो. लेकिन ऑनलाइन गेमिंग का एक प्रॉब्लम है, आप पैसा जमा करते हो, थोड़ा उस स्टेटमेंट में ऐड होता है अगर आप जीते, थोड़ा वो लोग सामने से बोनस देते हैं, थोड़ा पैसा विड्रॉ करते हो. इट इज नॉट के लॉटरी लगाया, जीता तो जीता, हारा तो हारा. यू अंडरस्टैंड और नो? तो उसका जो कैलकुलेशन है ना, हाउ मच यू विड्रॉ, हाउ मच इज रिटेन, उस रिटेन में से आपका खुद का इन्वेस्ट किया हुआ कितना था, उसका कैलकुलेशन उनको पूरा अलग से देना पड़ा. बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. उन्होंने बोनस में आपको कुछ और कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, दे समटाइम्स गिव यू एनीथिंग इन काइंड, ऑल दैट हैज टू बी फैक्टर्ड इनटू. उसका कैलकुलेशन अलग देना था, सेक्शन ही अलग बना. विल टॉक अबाउट दैट अमेंडमेंट वेरी सून. अब तक हमारा 115 बीबी हुआ है बट वी हैव गॉट हार्डली अबाउट 5-6 स्मॉल सेक्शंस लेफ्ट. एज आई सेड टुमारो दिस चैप्टर का बाकी का थियरी एंड बाकी का अपना क्वेश्चंस एंड बायबैक टैक्स इतना गारंटी है. इट इज पॉसिबल दैट एसईजेड का भी हमारा काफी सारा हो जाए. आई विल कंटिन्यू विद यू गाइस इन टुमारोज लेक्चर.